जो मिस्टर पन्नू के हैं ना मेरे को लगता है ए सीरियस नोट ये लगता है भी शायद उनके मेंटल हेल्थ है ना उसका कोई इशू है लेकिन पन्नू साहब की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी बेसिकली एंटी सिख है डेफिनेटली उन लोगों की पूरी कोशिश है मिस्टर पन्नू की कि किसी तरह सिखी को सिखों की जो क्रेडिबिलिटी है डैसपोरा में बर्बाद करनी है मिस्टर पन्नू का जितना ग्रो है दे आर वेरी क्रिमिनल माइंडेड दे क्रिमिनल एलिमेंट जिनके जिस गुरुद्वारे ने इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है मैं कब्जा बोलता हूँ जी कब्जा किया हुआ है और उसी गुरुद्वारे में इसने ये हिम्मत नहीं थी ये फ्रीली घूम सके वहाँ पन्नू की जो खालिस्तानी एक, इनकी एक्टिविटी होती है तो उनके लिए ये सारी फाई वाई सारे का सारा के शटडाउन होता है इनके लिए इग्नोर होता है हमारे पंजाब में भी ऐसा नहीं सबसे ज्यादा पंजाब की दुश्मनी जो सिखों के दुश्मन है ना वो हिंदू नहीं है और सिखों में ही है आपको मैं डराने की कोशिश करूंगा अगर आप मेरे से डर गए आपको मैं और परेशान करूंगा तंग करूंगा अगर आप तकड़े हो ना आप आ, आगे से खड़ गए तो फिर मैं बिक्ट मान जाऊंगा ये मैंटेलिटी है हमारी हम थापर कॉलेज में पा, वो पार्टिसिपेट करने गए थे और उस समय 21 स्टूडेंट को मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू स्टूडेंट थे वो हिंदू कोई बेचारा हरियाणा से गए होते और कोई यूपी से गए होते उनको इनोसेंटली मार दिया और बसों से निकाल कर मुझे आर एस एस के देख लो आर एस एस को आप हिस्ट्री सर्च करके देख लो मौका में ट्वेंटी थ्री ऑफ द आर एस एस के लोग जो पार्क में शाखा लगा रहे थे उसको शूट कर दिया उनका क्या कसूर था पंजाब में कोई ऐसी बदतमीजी करता है कोई ऐसी इंसिडेंट करता है जब गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी बाहर बैठ कर कोई ऐसा इंसिडेंट करते हैं उसका साइड इफेक्ट रिफ्लेक्शन सुनर और लेटर सिखों पे आएगा और इमेजिन करो स्टॉकटन का गुरुद्वारा वन ऑफ द फर्स्ट गुरुद्वारा इन नॉर्थ अमेरिका है जो गदर बाबा ने जो जो गदर मूवमेंट में मतलब जिन्होंने <laughs> पार्टिसिपेट कर वापस आकर शहादत दी देश को आजाद करने के लिए उनका गुरुद्वारा खालिस्तानियों <laughs> लिए बीजेपी का हाल है ये बीजेपी मुन्नी है अकाली दल की कांग्रेस की बारे में आप जानती हो ठीक है ना कांग्रेस बहुत शरारती हैं और इतना नुकसान करके सिखों का इतना सिखों का पंजाबियों का नुकसान करके फिर भी बोर में बारी बारी फिर सरकार बना रही है ये क्या रेसिपी है? अभी जो मोदी जी सरकार में आए हुए हैं उस दिन से कितनी ज्यादा वायलेंस एंटी सिख अंट, नो एंटी हिंदू एंटी इंडिया एंटी आर सारा कुछ प्रोपोगेंडा चल रहा है ना क्यों चल रहा है उसका एक बड़ा रीजन है सबसे ज्यादा जो जहर और भी गोल रहे हैं ना सिखी के प्रचारक मैं तो कहता भी मेरा मेरा गांव और भगवंत मान जी का गांव लाइक इट्स ऑन द वॉकिंग डिस्टेंस वी नो इच अदर फॉर सो लॉन्ग लॉन्ग एनआफ अमेरिका में जाते हैं वहां भी मिलते हैं पहले भी इलेक्शन से पहले मैं आता था हमेशा हमारी मुलाकात होती थी तो भी बदले भी। नहीं इलेक्शन जीतने के बाद सी बदल गए अब बदल गए भाई और बहनों सुखी चहाल जी स्टूडियो में आए सर बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बाद अस्सवीकाल हम और बहुत समय से चाह रहे थे कि आपको इनवाइट करें और ये कोइंसिडेंस हुआ कि आज हम मिल पाए थैंक्स टू वैभव सिंह तो बताइए सर कैसा रहा आपका आना हुआ कैसे भारत में भ्रमण चल रहा है आपका कई जगह घूमे कैसा चल रहा है सब अच्छा चल रहा है हमारा मुल्क है बॉस आपका ने... मुल्क तो ये है जिसका आपने झंडा लगाया है ये मेरी जन्मभूमि है मेरी कर्मभूमि है ठीक है हां जे पंजाब सारे का सारा भारत ये हमारा है हमारे गुरुओं की पीरों की फकीरों की धरती है हमारा सभ्याचार है हमारे लोग हैं पंजाब या भारत 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 <laughs> वो एक आपने देखा इंटरव्यू सिद्धू वाला का उसमें वो उससे पूछते है कि पंजाब या इंडिया, इंडिया तो कहता है कि पंजाब तो इंडिया ही आता है इंडिया में ही आता है कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी सोच होती है बेवूफी होती है मैं कहता हूँ देखो इतनी महान लोग पीर फकीर पैगंबर वहाँ से पंजाब की धरती में पैदा हुए हैं तो ऐसी बात करनी आई थिंक इट इज़ अनफॉर्चुनेट कोई ऐसी कुछ लोगों की सोच हो तो पंजाब अलग है इंडिया अलग है तो सर आप ये आपके जो पड़ोसी हैं ये गुरपंत पतवंत क्या नाम है उसका पन्नू गुरपतवंत सिंह पन्नू <laughs> पन्नू पन्नू साहब बोलता हूँ पन्नू साहब को थोड़ा सा दिल का दौरा तो आया होगा अभी कुछ जो रेवोल्यूशन हुए कि ये ये क्या हो रहा था मेरे खिलाफ साजिश नहीं देखो आपको कुछ बताया उन्होंने नहीं आई थिंक कुछ महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि मिस्टर पन्नू साहब का कोई एक्सीडेंट हुआ कैलिफोर्निया में उनकी डेथ होगी मेरे को बहुत फोन है अब विद तो द फर्स्ट वन टू कंडेम उस न्यूज़ को भी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने कंफर्म किया काफ़ी तो लेकिन ऐसी इंसिडेंट जो भी हो रहा है मैं मैं मीडिया में देख रहा हूँ हाँ भी किसी आयरनों के रियलिटी क्या है जो तो मैं जो मीडिया में आ रहा है जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से जो डॉक्यूमेंट हैं उनके हिसाब से मैं देख रहा हूँ इस अनफॉर्चुनेट न कल को उसकी जगह पे मैं भी हो सकता हूँ कोई मेरे को मरवाने की कोशिश करे वो गलत बात है देखो जे दे, जिस सभ्याचार में हम रहते हैं यहाँ कोई वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए विचारों के मतभेद हो सकते हैं आइडियोलॉजी मेरी डिफरेंट हो सकती है आपकी डिफरेंट हो सकती है इसका मतलब ये नहीं भी कल में आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको मरवाना की कोशिश करूं नहीं इस 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 तो लेकिन सर जैसे वहाँ पे जो बात होती है कि जो पन्नू बात करता है वो यहाँ पे कोई एयर इंडिया के फ्लाइट को उड़ाने की बात करता है कोई पार्लियामेंट को उड़ाने की बात करता है तो अभी तो ये भी आया था कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था कि उस समय भी धमकी दी गई थी तो इन सारे जो है, व्यूज हैं दिस है, इज बेसिकली टेररिस्ट मेंटेलिटी वही व्यूज हैं तो अगर कोई भी प्लॉटिंग कर रहा है जैसे uh, कोई टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा है बिल्कुल तो फिर देन इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट बिल्कुल टू न्यूट्रलाइज दैट पर्सन नो अनफॉर्चुनेटली पीछे ऐसे no, इंसिडेंट हो चुके हैं क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था जो कनिष्का कांड हुआ वो भी ऐसी डिस्कशन से ऐसी बातों से ऐसी धमकियों से शुरू हुआ था ना और एवेंचुअली उन लोगों ने उसको वो अंजाम दे दिया था कितने लोगों की डेथ हुई इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट और ऐसी आपकी हिस्ट्री में और अभी तो वो लोग जिंदा है अभी बहुत लोग जिंदा है जिन लोगों ने किया था तो उनको लोग देखते हैं और आज कल जैसे मिस्टर पन्नू जैसे लोग कोई ऐसी बदतमीजी की बात करते हैं इट इट इज ए सीरियस कंसर्न इट अ सीरियस मैटर एंड मैं तो आई रोट ए मेल एंड मैसेज टू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू द एफ बी आई टू द कंसर्निंग अथॉरिटी कि दिस इज नॉन सेंस दिस नीज टू बी स्टॉप क्योंकि उसका ऐसा नहीं भी उसको सारी कम्युनिटी सिख कम्युनिटी को जो जो सिख कम्युनिटी की हैसियत है उसको भी बहुत ज़्यादा चोट पहुँचेगी इन द लॉन्ग रन क्योंकि अगर ऐसी बात करनी ऐसी बात कौन करते थे पहले सोचते थे भी वो तालिबान के लोग करते थे जो इस्लामिक जो टेररिस्ट हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अलकायदा वाले हैं वो ऐसी धमकियाँ वो देते थे अब पनू साहब इंटरेस्टिंगली अमेरिका में बैठ कर जैसी धमकियाँ दे रहे हैं यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये फाइव आइज़ और जो पूरी डेमोक्रेसी का ठेका ले रखा है जिन्होंने पूरी दुनिया में तो ये करते क्यों नहीं है क्योंकि चाहे आप कनाडा ले लीजिए चाहे यूएस ले लीजिए मतलब इसका सिंपल तो एक जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि क्या ये मतलब वहाँ की एजेंसियों के एजेंट हैं क्या क्योंकि इस तरीके की बातें और प्रोत्साहन तो उन्हीं को करता लगता है कि अगर मान लीजिए कल को कोई बोले कि एयर कैनेडा मतलब या कैनेडा में कोई फ्लाइट है या यूनाइटेड को उड़ाना है कोई ऐसी बात करे तो मतलब आप सोशल मीडिया पे प्रेसिडेंट को थ्रेटन कर दीजिए तो आपके सीक्रेट में आ जाएंगे हाँ सीक्रेट सर्विस आपके घर पे आ जाएगी तो ये आ इसको इतना खुला क्यों छोड़ रखा है क्योंकि मैंने एक लेख भी पढ़ा था जिसमें अब वो सोर्सेज को कोट किया था उसमें ये था कि मतलब अब आवर एन एस उन्होंने ये बोला है कम्युनिकेट किया है यूएस को कि भाई अगर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं पन्नों के खिलाफ तो वो इसलिए क्योंकि ही इज एन एसेट ऑफ देयर इंटेलिजेंस एजेंसी तो ये क्यों मतलब जो टेररिज्म के खिलाफ इतना मतलब बोलते है, इतने इस, इस हैं इतने प्रखर हो देखो इसमें दो चीजें हैं अमेरिका में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी को भी है इवन कल को मेरे को मैं मिस्टर बाइडन है हमारे प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ भी मैं जाकर वाइट हाउस के सामने मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ लॉफुली hmm. जो भी है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ करता है करता है वो कर सकते हैं लेकिन जो भी आदमी लाइन क्रॉस करता है फिर उसके बाद जो आपने देखा होगा पीछे जो कैपिटल बिल्डिंग पे कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उन लोगों देखो उनकी जो कन्वेक्शन हो रही है किसी को बीस साल की सज़ा हो रही है किसी को पंद्रह साल की हो रही है कन्वेक्शन हो रही है ना चल रहा है ना लेकिन इस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इवन सिर्फ मेरे लिए नहीं मैं तो देखो मिस्टर पन्नू के जितनी जो कंपेन मैंने चलाई हुई है सिंगल हैंडली और दूसरा कोई आदमी भी दिखा दो नॉर्थ अमेरिका में कोई नहीं है सिंगल हैंडली ओपनली जो भी मैं बात आज के आपके स्टूडियो में करूंगा यही मैं बात हमारे गुरुद्वारा साहब में भी करूँगा कम्युनिटी में करूंगा सिख कम्युनिटी में करूंगा पंजाबी कम्युनिटी में पब्लिक डोमेन में करूँगा इट्स वेरी कंसर्निंग जो मिस्टर पन्नू के हैं ना मेरे को लगता है ए सीरियस नोट ये लगता है भी शायद उनके मेंटल हेल्थ है ना उसका कोई इशू है Hmm. पहले मैं मेरे को होता था भी शायद ये आदमी पता नहीं क्या करता है क्यों करता है कोई कहाता है अब मेरे को लगता है भी आई थिंक उसको मेंटल इश्यूज़ uh, हैं कोई डेफिनेटली उसको कोई साइकेट्रिक या किसी और को दिखाना चाहिए मैं इवन के उसके उसके ग्रुप के कुछ लोगों को ही बोला है hmm. इवन के एस के ग्रुप को तो क्योंकि हम तो एंड ऑफ द डे सभी लोगों को हम मिलते भी हैं जुलते भी हैं कम्युनिटी में रहते हैं डिफरेंट ओपिनियन होते हैं जिसका मतलब ये नहीं है भी हमारा किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं होएगा और है लोग कहते भी हैं और रहना भी चाहिए लेकिन पन्नू साहब की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी बेसिकली एंटी सिख है एंटी सिख एंटी सिख है उसमें इस डेफिनेटली उन लोगों की पूरी कोशिश है मिस्टर पन्नू की कि किसी तरह सिक्खी को सिखों की जो क्रेडिबिलिटी है न्यासपुरा में बर्बाद करनी है उसके पीछे कौन है आई कैनॉट कमेंट ऑन दैट वन ठीक है और सामने बहुत कुछ नजर आ रहा है कुछ लोग कंक्लूड भी कर रहे हैं उसके पीछे ये है वो है लेकिन उसकी एक्टिविटी है खालिस्तान का तो एक सहारा ले रहे हैं बाकी तो क्रिमिनल एलिमेंट है पन्नू का जितना ग्रोह है दे आर वेरी क्रिमिनल माइंडेड द क्रिमिनल एलिमेंट मैं बार बार जे एक बार नहीं मैं सौ बार कहता हूँ मैं लिख कर देने को तैयार हूँ और मेरे पास प्रूफ है सभी ये क्रिमिनल एलिमेंट हैं ये क्रिमिनल इनकी एक्टिविटी है इनकी एक्टिविटी एंटी सिख है और जो खालिस्तान का सिर्फ एक सहारा लेकर ये कोई भी बात करेगा उसको सप्रेस करते हैं अदरवाइज़ इनका सिखी के साथ कोई तलकात नहीं है इनका खालिस्तान के मूवमेंट के साथ कोई तलकात नहीं है खालिस्तान की मूवमेंट के लिए कुछ लोगों ने इतनी ज़्यादा परिवार भी बर्बाद हो गए सेक्रीफाइस किए इसके इस तो किसी ने थप्पड़ नहीं मारा आजकल ये कहता भी हाँ भाई मैं मैं ऐसा कर दूं ये हमेशा कहता भी आप को मैं सौ डॉलर दे दूं आप ऐसा कर दो आपको हजार डॉलर दे दूं आप उसको कभी मोदी जी को गा लें कभी अमित शाह जी को गा लें कभी डोवल साहब को गा लें कभी जो एम ई ए के मिनिस्टर हैं उनको गा लें छोड़ते हैं ठीक है ना आप कुछ नहीं करना ये पैसे दे वो आप अभी ये देखो एयर इंडिया की एयर इंडिया को थ्रेट किया जिसने थ्रेट किया जिसने किया तभी एटीन ये वो जिस तरीक से किया मैं उस तरीक से एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर सैन फ्रांसिस्को से न्यू डेली आया हूँ चिंता का विषय यह है कि मेरी खुद की स्क्रीनिंग सेकेंड टाइम हुई सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में उसमें एयर इंडिया का कोई और नहीं है लोकन क्योंकि जो थ्रेट है ना जो सिखों की डेफिनेटली होएगी आई एम ए विटनेस क्योंकि मैं मैं कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरी स्क्रीनिंग वहाँ सेकेंड टाइम हुई क्योंकि तो उस दिन उसने धमकी दी हुई थी भी एयर इंडिया को वाइकआउट करने की ओबियसली सो दे हैव टू टेक देयर प्रिकॉशंस नॉट ओनली कि एयर इंडिया क्योंकि एयर इंडिया की सिक्योरिटी मैनेज नहीं करती एयरपोर्ट पे ना सिक्योरिटी तो लोकल अथॉरिटी करती है ना वहाँ और मेरी से हुई और ये कितनी बड़ी बदतमीजी है कि एयर इंडिया को ये बाद में कहता है बाद में फिर ये शुगर कोट करते हैं बाद में कहते हैं भी एक बार तो थ्रेट कर देंगे बाद में ऐसे करेंगे भी हमारा मतलब ये ही नहीं था बाद में कहता भी नहीं मैं तो उसको इकोनॉमिकली उसको चैलेंज करना है उसको इकोनॉमिकली उसको हर्ट वो तो करना लेकिन प्राइवेट एयरलाइन है वो टाटा की एयरलाइन है हाँ। प्राइवेट एयरलाइन है और उसने 500 जो प्लेन है उसने ऑर्डर कर चुके हैं बिलियनज ऑफ डॉलर के उसके ढाई जो जो बड़े प्लेन हैं वो बोइंग बना रहा है, बन रहा है अमेरिका में बन रहे हैं अमेरिका में कितनी उस, उस उसको फ़ायदा है कितनी जॉब जनरेट हो रही हैं और टू हंड्रेड हैं वो एयर बना रहा है ठीक है ना फ्रांस में बन रहा है और जय काका जी कहते हैं भी ठीक है भाई शो अगर दस हज़ार एक लाख दो लाख डॉलर का उनको नुकसान हो जाएगा दैट्स नथिंग पर प्रॉब्लम क्या है भी सिखों पे तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना भी हाँ क्योंकि कुछ लोगों ने सिख लोगों ने उनका नाम आया था मैं नहीं कहता भी उन लोगों ने किया या नहीं किया उनका नाम आया था तो सारे इन्वेस्टिगेशन हुई थी कोर्ट कोर्ट से वो वेश ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा की कोर्ट में कुछ लोगों को कन्विक किया था ना अगर ऐसी कोई बदतमीजी बात कोई बात करेंगे जैसे करता है, बच्चों को अपने परिवार को अपने इसको कुछ ना होए और लोगों को कहता है आप हमेशा सिक्योरिटी लेकर घूमता है वैनकूवर में भी रेफरेंडम हुआ था वहां भी इसके पास सिक्योरिटी थी और इसी के गुरुद्वारे में जिनके जिस गुरुद्वारे में इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है मैं कब्जा बोलता हूँ जी कब्जा किया हुआ है और उसी गुरुद्वारे में इसने ये हिम्मत नहीं थी जो फ्रीली घूम सके वहाँ और अपने लोगों में और वहाँ भी सिक्योरिटी है लेकिन वहाँ तो अपनी जान को तो इसको डर लगता है खतरा है लेकिन ये कहता है भी कोई जहाँ जाकर इंडिया की पार्लियामेंट को झंडा चढ़ा दो कोई कहता है मोगा के वाशिंगटन डी जो जो डी है मोगा के डी हाउस उसके उसकी ऑफिस पे झंडा चला दो बड़ी बड़ी जिले बहुत ज़्यादा वतनी जी की बात करता है ना प्रॉब्लम यही है ये कहता है भी मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है प्रॉब्लम ये है भी इसकी आपने क्वेश्चन पूछा था भी कैसे वायलेंट है लालगिजू टू थ्री एग्जाम्पल क्योंकि डिटेल में मैं जाने की अभी जरूरत नहीं है टाइम नहीं होता है लास्ट टाइम जो मिस्टर मनजीत सिंह जी के थे इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अमेरिका में जुबा सिटी के गुरुद्वारे में इन साइड द गुरुद्वारा उसकी पिटाई की थी उस उस पर कातलाना हमला किया गया था इनके गुंडो दलों ने लाइक मोर देन ट्वेंटी ऑफ दीज गुंडा दल मैं उसको गुंडा दल बोलता हूँ मैं ना एस एफ जे नहीं बोलता ना इसको खालिस्तान का ना बदनाम नहीं करना चाहते हम जे गुंडा दल जो एस एफ जे जो गुरु बदवंत सिंह की ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने गुरुद्वारा के अंदर एक सरदार की पिटाई की है सिख की पिटाई की है ठीक है ना और गुरुद्वारा के वो भी बेअदबी है ना ठीक है और क्यों क्योंकि तो इनके पास लाइसेंस है इनको कोई चैलेंज नहीं करता इनडायरेक्टली ये कम्युनिटी को सिख कम्युनिटी को भी थ्रेट करते हैं अभी इनके जो हमारे साथ कोई लफड़ा करेगा हमने मंजीत सिंह जी क्या है जी किया उससे पहले उससे पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी इलेक्शन लड़ने से पहले अमेरिका में गए थे कनाडा जा नहीं सके उस समय फ्रेजनो में फ्रेजनो मेरे से मैं मैं रहता हूँ सैनोजे रहता हूँ दो घंटे का रास्ता है फ्रेजनो का वहां उन लोगों ने कम्युनिटी हॉल में कैप्टन अमरिंदर का शाम का प्रोग्राम था एंड आई वाज आल्सो देयर उस समय भी इन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया और बहुत गाली गलोच बहुत बो, बो, जो इतनी गालियां निकालते हैं कि आपकी अपनी फैमिली को बच्चों को आप सोच नहीं सकते भी ये फेस नहीं कर सकते भी इतने गिर सकते हैं जो गिरे हुए हैं क्योंकि क्रिमिनल आदमी है ना जो गुंडे लोग हैं और उस समय कैप्टन अमरिंदर पर भी अटैक हुआ और यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है और मेरे मेरे मेरी मेरी पिक्चर उसमें है एंड आई वाज द वन जिसने कैप्टन साहब को पकड़ कर उसके रेंज रोवर में बिठाया और वहाँ से चले गए उसके बाद वैन आई वेंट बैक एंड दे हिट मी विद विद्द्या काफ़ी बड़ा पत्थर था ऑन दैट नाइट आई वॉज़ एडमिटेड टू द सेंटा क्लारा काइजर और मेरा रेकर्ड निकाल कर देख लो क्योंकि फोर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग मेरे सर की वो सारी एम आर आई करवाई थी क्योंकि मेरे साथ में जैसे होता है ना अभी कोई कोई ब्रेन के अंदर कोई स्वेलिंग ना हो जी. जे इनकी क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी हैं जे इनकी एक्टिविटी वायलेंट होती है दूसरा बात आगे आ जाओ अभी इनके ग्रुप के आदमी इन्हीं के ग्रुप के एस एफ जे के ग्रुप जो खालिस्तान रेफरेंडम की बात करते हैं इनके ग्रुप के आदमी ने अभी दो हफ्ते पहले क्या किया है जो जो ग्रौनी हरकत की है वहाँ एवरस्टफोर्ट है कनाडा में वहाँ एक ब्रिगेडियर रैंक के एक ऑफिसर थे रिटायर्ड ऑफिसर जो अपने फादर के साथ आए थे या हाँ, उनके अपने, फादर अपने नहीं नहीं वो अपने बेटे के साथ हाँ. और नू के साथ और कुछ छोटा सा बच्चा था गुरुद्वारा में आए थे जहाँ के इंडियन कौंसलेट ने आउट ऑफ द वे जाकर उन लोगों के जो होता है ना सर्टिफिकेट होते हैं लाइफ सर्टिफिकेट होते हैं वो टेस्टेड करवाने के लिए आए थे उन लोगों को क्या गालियां निकाली गुरुद्वारा साहब के अंदर गुंडा कर तो दिया वीडियो है। वीडियो है ना। मैं तो नहीं कह रहा ना अपनी तरफ से मैं तो सारा कुछ पब्लिक डोमेन में बढ़ा मैं तो कहता भी सिखों को सिख कम्युनिटी को पता चलना चाहिए अभी आई मेरे को कोई कंसर्न नहीं है मैं किसी हिंदू को या इंडियन को या किसी थर्ड पार्टी को कोई खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा ऐसी बात करके मैं तो कहता भी ये सिखों का इशू है बेसिकली ये एंटी सिख है उसके बाद पीछे आ जाओ खालिस्तानियों को कहते ना भी ये हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एक्सप्रेशन है दिस एंड दैट अब मैं खालिस्तानी इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लूँ इससे पहले तारा सिंह हेर थे एडिटर थे इंडो कनेडियन न्यूज के कैनाडा में वो खालिस्तान के खिलाफ लिखते थे उसको पहली बार उस अटैक हुआ उसको पैरालाइज किया गया उसके बाद कुछ सालों के बाद उसके घर में घुसकर उसको घर में घुसकर उसका मर्डर किया ये मैं फिर मैं नहीं कह रहा ये आप सर्च करके देख लियो तारा सिंह हेर कौन थे मीडिया को नहीं छोड़ा उसके बाद आप देख लो मिस्टर पुरेवाल थे तरसेम सिंह पुरेवाल साउथ हॉल में जूके में उन पर अटैक किया उस उनका मर्डर किया गया साउथ हॉल में किया गया तो क्योंकि मीडिया में वो पॉजिटिवली वो सिखों के बारे में सिख के बारे में इनको चैलेंज करते थे भी नहीं जो खालिस्तान का जो 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 गुंडे लोग हैं जो खालिस्तान की दुकानदारी है जो खालिस्तान का धंधा है ये सिक्खी के लिए अच्छा नहीं है ठीक नहीं है इट इज़ नॉट गुड फॉर द दे सिक्खी देओल साहब के ऊपर अटैक हुआ हाँ जी दे साहब के ऊपर अटैक हुआ देल साहब के हाँ जी हाँ देओल साहब वहाँ हुआ इन पे बलराज हाँ, बलराज जी के ये हुआ था ब्रैमटन में ब्रैमटन में ही सच्चे है उसकी इतनी नॉलेजिटिवली so बला जैसे लोगों की क्योंकि वो कम्युनिटी को वो अवेयर करते थे भी नहीं चीजों है, है। उसको, उस, उसको उसको उस पर अटैक किया ये हो गया और आगे जाओ अभी जो न्यूजीलैंड में हरनेक सिंह ने की है अरनेक सिंह नेकी को दो साल पहले ऑलमोस्ट उसको मारकर चले गए थे ती, तीन लोग थे ठीक है दो साल के बाद अभी उन तीन लोगों को कन्विक्शन हुई है एक साल को ए, एक को आई थिंक दस साल से ज़्यादा हुई है लाइक मोस्टली लाइक मोर देन एट एट ईयर जेल जेल हुई है उन लोगों को ठीक है ना और उस आदमी को अपनी तरफ से जे मारकर चले गए थे ठीक है ना क्यों क्योंकि क्यों क्यों एंटी खालिस्तान को जो खालिस्तान कोई एंटी नहीं करता था वो अरे बिल्कुल सही बात करता था भी ठीक है जो इनका जो इनका खालिस्तान का ये धंधा है ये हमारी कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं है वो सही सच की आवाज उठा रहा था ये नहीं नहीं अब अब देखो अमेरिका में अटैक कैनेडा में अटैक न्यूजीलैंड में अटैक और उसके यूके में अटैक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ था जब रेफरेंडम में रेफरेंडम करवा रहे थे उस समय कुछ हिंदू मंदिरों पे और हिंदू लड़कों पे अटैक किया था ये देख लो फाइव हो गया ना इसको बोलते हैं फाइव आई <laughs> फाइव आई इसका कॉन्सेप्ट ये है क्या ई वो हमेशा करते हैं ना जिनकी दोनों आंखें बंद है हाँ जिनके सब कुछ बंद है। इनके लिए जब पन्नों की जो खालिस्तानी एक इनकी एक्टिविटी होती है तो उनके लिए ये सारी फाइव आई सारे का सारा के शटडाउन होता है इनके लिए इग्नोर होता है क्योंकि इनकी गुंडागर्दी मैं कहता हूँ भी मैं क्यों इनकी खास आवाज़ उठाता हूँ मेरा कभी दी आ, रियल सुखी चहल मेरा वो आ, हैंडलर है ट्विटर का उसका मैंने जो टाइटल भी लिखा हुआ ना मैंने लिखा है द एल ओ पी ऑफ दिक्टीशियस खालिस्तान मेरा टाइटल है वो क्यों है वे लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी जो इनका हवा में खालिस्तान बनना मैं पहले मैं डिक्लेयर चुका हूँ भाई मैं बनूंगा आपकी अपोजिशन कब बनूंगा क्योंकि मैं बिहाइंड द सीन नहीं कर रहा मैं तो पब्लिक डोमेन में रख रुक रख चुका हूँ प्रॉब्लम ये है जो फाइव आई के जो 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 इनको जो इनको बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है सारा कुछ गुंडागर्दी हो रही है ना किसके खिलाफ हो रही है वो ज्यादा इंडिया के खिलाफ हो रही है बेसिकली क्या वो सिखों के खिलाफ हो रही है सिखी को सबसे बड़ा नुकसान होएगा उसका सिखों को हमारे जूथ को सिखों के जूथ को रेडिकलाइजेशन हो रही है अब इसी में इसी में क्या आता है भी? इसी में एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आवाज आएगा जो, जो जो आप लोग ये तो पूछते हैं बिल्कुल कि ये जब आप कह रहे हो कि और बहुत सारे लोग फील भी करते होंगे कि भाई ये तो अगर आप सिखी के खिलाफ है बिल्कुल तो फिर सिख कम्युनिटी चुप क्यों है एग्जैक्टली एग्जैक्टली आगे ना उसे उस, वही उसी जवाब पे आगे सिख कम्युनिटी इसीलिए चुप है जो नाइनटी कह सकता हूँ मैं जो की, बात कर रहे मैं की बात करता हूँ मैं सारे डैसपुरा की बात करता हूँ जो, जो पंजाब में टेरोरिज्म आया था उस समय लोगों ने क्या क्या संथाप हंडाए हैं वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट क्योंकि हमने भी देखा है क्या क्या अत्याचार हुए हैं किन लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाई किया किन लोगों ने तबाही होगी और उन लोगों ने उस समय उसकी आड़ में कुछ लोगों ने अपनी पूरी दुकानदारी चलाई है अपने पूरे बिजनेस भी खड़े कर ले, लेकिन कुछ लोगों के घर बर्बाद हो गए और गौर लोगों को यूज़ किया गया किसी को बिट्रे किया गया दिस एंड दैट के लोग कहते भी बात कर भी बहुत लोग उस समय डैशपुरा में चले गए थे बाहर की दुनिया में चले गए थे ऐसा नहीं भी उसको सिर्फ पंजाब पुलिस का डर था हमारे पंजाब में भी ऐसा नहीं सबसे ज़्यादा पंजाब की दुश्मनी जो सिखों के दुश्मन है ना वो हिंदू नहीं है वो सिखों में ही है जी जी जो भी बात याद रखना जो ज़्यादा सिखी का जो ज़्यादा नुकसान करेगा बाहर का आदमी नहीं करता आज पंजाब में डेराबाद है और डेरे के जितने भी जो हेड हैं वो जट सिख हैं hmm. ठीक है ना और जितनी गुंडागर्दी होती है जितना ड्रग का काम होता है जितनी गलत काम होते हैं उसमें ज़्यादा पकड़े जाएंगे तो, तो वो, वो जट सिखों के होंगे दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट वो मेरे को किसी ने बताया विच इज़ वेरी वेरी शेमफुल कि देखो जो पंजाब में जो लड़की का होता है जब आजकल हरियाणा भी, भी होता है लड़की को मार देते हैं वो लड़कियाँ नहीं चाहिए उसमें भी पंजाब का बड़ा नाम आता था ड्रग में बड़ा नाम आता है ठीक है ना ऐसी ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू वर्ट टूगेदर इनसे मैं आपको ब्लेम करूँ भाई ये हिंदुओं ने कर दी या किसी और ने कर दिया दिस इन दैट नो hmm. ये कम बैक द अभी जो इसका जो बात कर रहे थे इसीलिए क्यों नहीं इसीलिए बोलते क्यों नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास अब आपको पता चल गया ना जो मैं आप आठ साल दस साल पहले कह रहा था लोकल स्टेट की स्पोर्ट है हुँ. वो कुछ नहीं कहते इनको ठीक है इनको इनको लाइसेंस दिया है भी आप कुछ भी बोलो अगर जीके को किसने कन्विक्ट किन, किन, किया जीरो कन्विक्शन है जीरो कन्विक्शन है ठीक है ना सारा कुछ और जहाँ इतने मर्डर हुए हैं इतनी इतनी जो बलराज दोल जी को जिन लोगों ने अटैक किया किसकी कन्विक्शन हुई है कुछ नहीं हुई है लोग डरते हैं लोगों में सहम है लोग जहाँ से कोई अच्छे कैरियर बनाने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं वहाँ मेहनत करके अच्छा अच्छा उन लोगों ने बहुत अच्छे सेट सेट हुए हैं वो तो नहीं चाहते कि इन सब चीजों तो में में लफड़ों पड़ना ये ये लोग, ये लोग हमारे गली मोहल्ले के कोई ऐसे गुंडे होते थे पंजाब में भी होते हैं हुँ. ये कहते भी अब प्रॉब्लम ये हो ये होगी इकट्ठे हो गए हैं इकट्ठे होकर इनको लगता है सरकार भी कुछ नहीं कहती और सरकारों का भी कुछ इंटरेस्ट होता है क्योंकि तो बिना मतलब इंटरेस्ट तो नहीं कुछ करती ना जो आज आप लेटली आपने पीछे देखा है कनाडा का साइड पे देखा है और डेफिनेटली इस मैटर ऑफ कंसर्न लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होएगा इट इज ए मैटर ऑफ टाइम जो बिच इज वेरी वेरी लाइक मेरे को दुख लगता है ना एक तो हमारा जूथ रेडिकलाइज हो जाएगा इन इस प्रोसेस के थ्रू जो जैसे चल रहा है बहुत जूथ जो रेडिकलाइज होएगा उसको रियलिटी नहीं पता ठीक है ना उसको जो पढ़ाया जा रहा है जो आपने टेक्स्ट बुकों में या आपकी हिस्ट्री में तोड़ मोड़ कर भी जो भी हमारे दुश्मन है आर तो बात हो गई ना पाकिस्तान का एजेंडा है ना वो तो दुश्मन है उनको तो एजेंडा है पाकिस्तान के बारे में तो कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान से कितनी ड्रग पंजाब में आ रही है उसके बारे में कोई भी खाली कोई क्वेश्चन नहीं करेगा नहीं में है, है देखो हाँ, तो मतलब हाँ, जो बॉर्डर से आ रही है ना जो पंजाब में बिक रही है वो कोई दिल्ली से जाके जाकर कोई हिंदू तो नहीं बेच रहा ना वो तो पंजाब का कोई आदमी बेच रहा होगा ना बेचने वाले का और बकाने वाले का भी वो सभी का एक नेक्सेस है लेकिन ये एक बहुत आम हो गया है जैसे हर चीज पाकिस्तान में ब्लेम होती ना, कि की पहले है पहले 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 पाकिस्तान उसी तरीके से पहले होता था पहले पंजाब में एक एक, एक एक एक, कहावत है भी भी पहले होता था भी ये विदेशी मुल्कों की साजिश है पाकिस्तान के होते थे उसके बाद फिर अकाली दल ने फिर थोड़ा सा एंटी कांग्रेस एंटी इंदिरा गांधी नेरेटिव बिल्डअप किया जो वो कहते भी इंदिरा गांधी की चाल है अब इंटरेस्टिंग चीज़ है अब कोई भी इशू हो जाए ये कहेंगे आरएसएस की चाल है hmm. और इंटरेस्टिंग ये है भी आरएसएस ने मैं बहुत लोगों को मिला है इसलिए मेरी करियॉसिटी हो देखो तो सही ना भी आरएसएस की चीज़ क्या है hmm. मैं इनकी लीडरशिप को मिला बहुत लोगों को वगैरह एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग वेरी वेरी पैशनेटिंग कि जैसे एक सौ साल कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि तो इसके पैरल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो श्रोमी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और उसको कंपेयर करके देख लो इन लोगों की डेडिकेशन देख लो आज सरकार बनाकर देश चला रहे हैं और श्रोमी कमेटी की देख लो सिचुएशन क्या है एक फैमिली की एक ऑर्गेनाइजेशन होकर बैठ गई है क्योंकि कि, किसी को नुकसान करना दोष देना भी हाँ पंजाब में कुछ भी हो गया वो कहेंगे जी इसके पीछे आर एस एस है आत्मंथन तो है ही नहीं ना सोसाइटी के लिए कोई नहीं, काम नहीं, है है विक्टिम विक्टिम बन ना फिर बिक्टम, 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 है। ये हमारे ये, ये भी बहुत है हम आपको मैं डराने की कोशिश करूंगा अगर आप मेरे से डर गए आपको मैं और परेशान करूंगा तंग करूंगा अगर आप तकड़े हो ना आप आगे से खड़गे तो फिर मैं विक्टिम बन जाऊंगा ये मेंटेलिटी है हमारी ये है ये 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 ये, ये मैं देखो हम बिल्कुल खुली बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ये है आने वाले दिनों में जो सिचुएशन दैशपुरा में क्योंकि पंजाब में उसका रिफ्लेक्शन आता है पंजाब में खालिस्तान की ना ना की कोई चीज़ नहीं है मैं बिना सिक्योरिटी से खालिस्तान के लोगों को पूछ रहा हूँ पंजाब के लोगों को खालिस्तान के बारे में पूछ रहा हूँ वो कहते भी वो मेरी तरफ देखते हैं भी ये इसको क्या हो गया <laughs> खालिस्तान का कोई इश्यू नहीं है इसका मतलब ये नहीं खालिस्तान का कोई 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 नाम नहीं लेता वहां भी फ्रेंज एलिमेंट है कुछ लोगों के साथ पुलिस का बहुत तशद हुआ है इनजस्टिस हुआ है पंजाब में नो डाउट उसके वजह से कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि खालिस्तान की डेमोक्रेटिकली आप खालिस्तान की बात कर सकते हो हिंदुस्तान में हो रहा है हिंदुस्तान का सवदान इजाजत देता है सिमरनजीत सिंह मान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो वो खालिस्तान की बात करता है ठीक है वो डेमोक्रेटिकली करता है वो पार्टिसिपेट भी करता है जहाँ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन कंसी, भी वो सौ भी खाता है लेकिन ये लोग कहेंगे खालिस्तान की मिस्टर पन्नू बात करेगा लेकिन इनकी ये हिम्मत नहीं है कभी भी इनकी ये हिम्मत नहीं है भी जो लाहौर का इलाका था जो महाराजा रंजीत सिंह का इलाका था क्योंकि तो बेसिकली तो खालिस्तान की राजधानी है वो तो वो तो लाहौर होनी चाहिए उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे क्यों क्योंकि तो माई बाप रावलपिंडी में बैठे हैं और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकेगा उनको कोई अगर वो कहेंगे तो कल को फिर और कोई परेशानी होगी इसीलिए ये जो झंझट है जो जो दुकानदारी है जो हमारे सिखों की गुरुओं की पीरों की फिर फकीरों की इतनी मेहनत इतनी कुर्बानियाँ करके सिख कम्युनिटी की इतनी बड़ी हैसियत है आई एम ए सिख ठीक है आई एम प्राउड टू बी सिख आप हिंदू हो आप जाट हो ठीक है ना अगर हमारी हिस्ट्री में तो कोई आप थोड़ा पीछे चले जाओ आप देखोगे शायद हमारे हमारे, हमारे हमारा रिलेशन हम एक ही जगह से आए हुए ठीक है ना लेकिन नाउ आई एम आई एम ए सिख आई एम प्राउड टू बी सिख लेकिन हमारा तुम्हारा जो रिलेशन है इनसेपरेबल जो रिलेशनशिप है इसको कोई तोड़ नहीं सकता लेकिन ये शक्तियां हमेशा तोड़ने की कोशिश करेंगी और ये तोड़ने की कोशिश कर रही हैं वो लगातार कर रही हैं इसकी वजह से जो सौ साल से ज़्यादा डायसपुरा में अमेरिका कनाडा में लोगों ने मेहनत करके एक हमारा एक क्रेडिबिलिटी बिल्डअप की थी हमारी रिस्पेक्ट थी सिखों की जिनका सवाल आख में एक ही पता चल जाता है भी सिख आ रहा है उसको बहुत बड़ा थ्रेट है उसको बहुत बड़ा थ्रेट है अगर इन लोगों की वजह से जो क्रिमिनल एलिमेंट में सिक्स फॉर जस्टिस के गुरु सिंह पन्नू और उसकी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं ऑन रिकॉर्ड ऐसा नहीं भी मैं किसी और की हवा में बात कर रहा हूँ इन लोगों की वजह से सिखों को और गुरु साहब के सिखों को बहुत बड़ी थ्रेट है क्योंकि ये गुंडा एलिमेंट है और गुंडा एलिमेंट अपना एक खालिस्तान का सहारा लेकर और पीछे अपनी जो बिंडर वाला जी की सा संत जरनेर सिंह वाला की पिक्चर लगा लेते हैं और हर एक चीज़ को शट डाउन करते हैं इसलिए मेजोरिटी ऑफ द जो मेन स्ट्रीम सिख कम्यूनिटी है वो डर चुकी है वो कहते हैं भी नहीं हमने इस लफड़े में नहीं पढ़ना हमने पंजाब में बर्बादी देखी है हम और कोई पंजाब ज़्यादा बर्बादी नहीं बर्दाश्त कर सकते इसीलिए उसका चुप होना ज़्यादा जरूरी है और इन बिटवीन उसके बाद वो कांग्रेस आ गई थी कांग्रेस ने सिखों ये, ये, ये दो चीन है मैं, मैं बताता हूँ आपको एक तो ये कांग्रेस वाला है सारी जाति जो कहते हैं चौरासी वाला कांग्रेस ने किया नहीं। वो तो हिंदू सिख भी नहीं था ना नहीं। ये तो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता वर्सेस सिख था दिल्ली में बिल्कुल वो हुआ उसके बाद आ, जो भी उसके बाद तो सरकार इलेक्ट कर दी फुल मेजोरिटी में पंजाब में कांग्रेस की बिल्कुल और कितनी बार आई है और ये बीजेपी की तो कभी सरकार ही नहीं रही नहीं हो और... सकता है जे जै, जैसे कहते हैं भी आरएसएस की चाल हो <laughs> तो ये मेरे तो को, को समझ में नहीं आता कि ये बहुत जै, सारे लोगों का डाउट है सर बदतमीजी की हद जहां से गुजरती होती है कि भाई कांग्रेस ने क्या उसकी तो सरकार बना देते हो ये कहते हैं कांग्रेस की मिसेस गांधी इतनी पावरफुल उसकी मेजॉरिटी थी जे कहते भी इनके पास 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो आडवाणी जी थे जो वाजपाई जी थे आई थिंक एक और तीन लोगों ने प्रेशर डाला उसकी वजह से दरबार साहेब पे अटैक हुआ जिनका नैरेटिव देखो ये भी भी ने करवा दिया जो दरबार साहब पे अटैक किया वो भी आर एस एस ने करवा दिया क्योंकि उसने बुक लिखी जीत सके चौरासी में नहीं अडवाणी ने बुक लिखी बुक हाँ। वो, वो, में, एक में वो लिखा भी हम, हमने कोशिश की हमने क्योंकि बहुत कुछ कहता भी हमने कोशिश की क्यों बिकॉज हिंदू हिंदू एंड ही क्योंकि हिंदुओं का जो कतलेआम हो रहा था इट इज हॉरिबल मैंने देखा है पंजाब में मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरे सामने मेरे बहुत लोग मेरे जानने वाले मेरे रूममेट जैसे जो जो मेरे गुरु गुरु नानक इंजनीर कॉलेज में पढ़ा हूँ मेरे रूममेट की डेथ हुई है और जो जो हम पार्टिसिपेट करने गए थे लुधियाना क्योंकि देर बाजू ओनली थ्री इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब में उस समय गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज था एक पंजाब में था पर इंजीनियरिंग कॉलेज था और तीसरा चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज था मैं गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकंड ईयर स्कूल का स्टूडेंट था हम थापर कॉलेज में वो पार्टिसिपेट करने गए थे और उस समय 21 स्टूडेंट को मेजोरिटी ऑफ द हिंदू स्टूडेंट थे वो हिंदू कोई बेचारा हरियाणा से गए होते और कोई यूपी से गए होते उनको इनोसेंटली मार दिया और बसों से निकाल कर मुझे आर के देख लो आर को आप हिस्ट्री सर्च करके देख लो मोका में ट्वेंटी थ्री ऑफ द आर के लोग जो पार्क में शाखा लगा रहे थे उसको शूट कर दिया उनका क्या कसूर था और आर एस के अभी भी उनको कितने लीडरों को बाद में भी मारा गया ठीक है ना और ये कहते हैं भी हाँ सारा कुछ जो कुछ भी किया है वो आर एस एस ने किया है बीजेपी के ने उस समय उनका कोई वजूद नहीं था कोई कोई उनके पास पावर नहीं थी वो तो खुद भी आर एस एस की वो कांग्रेस उनको कितना सप्रेस कर रही थी और जे नैरेटिव बनाते हैं भी जो अडवाणी जी ने लिखा एक लाइन लिख दी एक चैप्टर ने में भी उसकी वजह से पंजाब में जो दरबार साहब पे अटैक हुआ <coughs> और पंजाब अब दरबार साहब की बात आ गई मैं कहता हूँ भी मिसेस गांधी ने जो भी किया जो दरबार साहब पे अटैक हुआ दैट वाज द ब्लंडर इन 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 द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्योंकि उसके बहुत, बहुत 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 और भी कोई ऑप्शन हो सकते थे स्पेशली जो टाइम चुना जो डे चुना उस समय इतने लोग आए हुए थे इनोसेंट लोगों का मारे जाना हमारे दरबार साहब को अटैक होना स्पेशली अकाल तख्त पर अटैक होना दैट इज़ अनएक्सैप्टेबल दैट इज़ वो कभी ना बोल सकते हैं और ना बोलना चाहिए और ना बोलना कभी बोलना नहीं चाहिए और मैं कभी भी नहीं बोलूँगा भी एज ए सिख आई मैं मैं कभी भी बोलूँगा और ना ही कभी माफ़ी के काबल है वो जो इतना बड़ा बलंडर है वो माफ़ी के काबुल चलो ठीक है उ, उसका जो खमियाजा था जो जो उन लोगों को लेकिन ले किया। आप देखिए ना उसके बाद जो वायलेंस की साइकिल शुरू होती है पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ का हुआ का हुआ सिख सिख कम्युनिटी कम्युनिटी का का आधे बाहर चले गए अभी जो इतना फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट किया जिसकी वजह से ड्रग्स सोसाइटी ब्रेक डाउन हो गया बिल्कुल वो तो मतलब जो इंटेलेक्चुअल आदमी थे उस समय उस समय भी लोग हमारे जो जो हमारे प्रोफेसर कहते थे हमें बताते थे क्योंकि हमें तो अकल नहीं थी इतनी समझ नहीं थी स्टूडेंट थे वो कहते भी नहीं बेटा जो आप जो चल रहे हैं आजकल ये हमारे आपके सामने आएगा आने वाले दस बीस तीस साल के बाद देखोगे पंजाब की बर्बादी की है जो शुरुआत हो चुकी है जो फाउंडेशन शुरू हो चुकी है इ, 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 इस टाइम पे ये अब पंजाब बर्बादी की तरफ जाएगा और जा रहा है प्रॉब्लम ये दूसरी प्रॉब्लम ये भी है भी मोर देन फिफ्टी परसेंट जो सिखों की पॉपुलेशन है वो तो पंजाब के बाहर रहती है अगर पंजाब में कोई ऐसी बदतमीजी करता है कोई ऐसी इंसिडेंट करता है जब गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी बाहर बैठकर कोई ऐसा इंसिडेंट करते हैं उसका साइड इफेक्ट रिफ्लेक्शन सुनर और लेटर सिखों पे आएगा नहीं इमेज में तो ऑलरेडी आ गया आ, आप दो साल पहले अगर आप इंटरनेट नहीं, को मैं इसको देखो इमेज में सिख <coughs> मैं सोचता हूँ अगर ये रेफरेंडम करवाते हैं ठीक है ना रेफरेंडम का ये देखो पहली बात तो जो रेफरेंडम का जो बदतमीजी है इनकी जो जो खालिस्तान की बात करते हैं दैट हैज नथिंग टू डू विद द सिख रिलीजन नथिंग टू डू विद द गुरु साहब नथिंग टू डू द गुरुद्वारा और इन लोगों ने वैनकूवर में जो पहले मिसेज मिस्टर निजर की डेथ से पहले जो रेफरेंडम करवाया था ठीक है ना और ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखो ये फाइव आई में होते हैं ये सारे के सारे रेफरेंडम ठीक है और रेफरेंडम वहां हुआ ये पहले इन लोगों ने कोशिश की कि, कि स्कूल में कराया जाए अमेजिन करो क्योंकि आई वाज द वन हु रोट ए लेटर एट टाइम जो सारा मीडिया में कंपेन चलाई भी नहीं दिस इज अ ब्लेंडर यू आर डूइंग कैनेडियन गवर्नमेंट को लिखा यू आर डूइंग द ब्लेंडर एक दिन ये सांप आप पाल रहे हो ना ये आपको काटेंगे जो आपके बैकयार्ड में आ रहे हैं ये डेफिनेटली ये ये डेफिनेटली इनके गले की हड्डी बनेगी अमेरिका के भी बनेंगे और कनेडा के भी बनेंगे उन रिलेटेड ये रियलिटी है आदमी नहीं बनेंगे आज तो इनको लगता है भी नहीं इनको यूज़ किया जा सकता है लेकिन एवेंचुअली ये बनेंगे उस समय रेफरेंडम इन लोगों ने होस्ट करने की कहा कि स्कूल में जहाँ बच्चे छोटे आते हैं इमेजिन करो स्कूल में गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट ने वहाँ जो ब्रिटिश कोलंबिया की जो गवर्नमेंट है जो वहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर है रचना सिंह रचना सिंह है ठीक है ना उसका हसबेंड भी वो प्रो खालिस्तानी है मेरे साथ बहुत लफड़ा हुआ है उसका और उसके बाद फिर मैं मैंने ट्विटर पे काफी काफी कुछ लिखा उसने भी इजाजत दे दी इनको इमेजिन करो भी कहाँ इनके इन इनकी सेटिंग है उससे इजाजत लेकर और रेफरेंडम स्कूल में करवा रहे थे फिर लोकल अथॉरिटी हमने आवाज उठाई उसके बाद लोकल लोकल कम्युनिटी या उन लोगों ने भी आवाज उठाई ये तो बदतमीजी है hmm. स्कूल में रेफरेंडम करवा रहे हो स्कूल में रेफरेंडम करा करवा रहे हो तो जो पोस्टर थे पोस्टर में ए के फोर्टी सेवन की पिक्चरें लगी हुई है वायलेंट hmm. को ग्लोरीफाई कर रहे हो बच्चों hmm. <laughs> के स्कूल में ठीक है उसके बाद खत्म हो गया और उसके बाद ये रेफरेंडम स्कूल गुरुद्वारा साहब में करवा रहे हैं ठीक है ना अब मैं जो बात कह रहा हूँ एज ए हिंदू जरा ध्यान से सुनना मैं आपके के, के को भी एजुकेट कर रहा हूँ और ये गलती नहीं करना अगर उससे पहले कुछ दिन पहले इन लोगों ने मंदिरों के रास्ते रोकने शुरू किए हाँ, वो भी आया था वीडियो वीडियो है ना मैं तो नहीं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा हुँ। हुँ। और मंदिरों पे उसको मंदिरों के कोई प्रवोक, करना। हाँ, प्रवोक करने की कोशिश की ठीक है ना अगर ये एक ए, एक पोलिटिकल रिलीजियस तो नहीं है जो तो पोलिटिकल है ना जो तो दुकानदारी है जिसफ्रेंडम की ये गुरुद्वारा में करवा रहे हैं कल को कोई चार लोग हिंदू जो जिनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का बिल्कुल पूरा अधिकार है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस का हंड्रेड परसेंट अधिकार है अगर वो लोग गुरुद्वारा के सामने आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें क्या कर लेंगे जी वो तो, तो, तो क्या कर लेंगे और गवर्नमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उनको फिर क्या होएगा फिर हिंदू और सिख का मसला खड़ा होएगा एंड दिस इज एग्जैक्टली दे दे वांट वांट टू टू डू इट दिस इज एग्जैक्टली पुश इट सो इसीलिए पुश करते रहते हैं क्योंकि ये इवेंचुअली चाहते हैं भी हिंदू और सिखों में इसलिए मिस्टर पन्नू कहता है भी है हाँ, सारे के सारे हिंदू कैनडा छोड़ कर चले जाओ क्योंकि hmm. तो इवेंचुअली जो पोलराइजेशन हो रही है ना इसमें मैं कहता हूँ किसको क्रेडिट जाता है नाइनटी नाइन परसेंट जो साइलेंट सिख कम्युनिटी है वो, वो कुछ नहीं बोल रहे इनके फेवर में तो नहीं बोल रहे ना वो चुप कर बैठे हैं ऑन द अदर साइड जो हिंदू कम्युनिटी को भी मैं मैं अडमायर करता हूँ भी देखो कुछ लोग होते हैं एक लोग एक दो लोगों की वजह से सारी की सारी कम्युनिटी पे हो जाता है लेकिन उनका मैं कहता हूँ भी बड़ा दिल है समझदारी है वो दूरंदेशी हैं है लेकिन उन, उनकी तरफ से कोई ऐसी ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा इसलिए हमारी जो पीस एंड हारमनी है वो अभी बरकरार है अदरवाइज ये कोई कोई

जो खालिस्तान का इन्होंने एक तो हरा ये कर रखी है कि खालिस्तान का जो इन्होंने झंडा बनाया है उसमें इंग्लिश तो ना, ना? तो ना बिल्कुल उसको उन्होंने खालिस्तान का झंडा बना दिया बिल्कुल तो वो क्या होगा अगर उस झंडे उस को यहाँ पे लोग चार लोग उसको जलाने लग जाएंगे बता रहा हूँ आपको भी अगर

जाएगा ना फिर गालियां शुरू होंगी और, और ये ऑनलाइन हो रहा है सर मैं सर, मैं बता रहा हूँ आपको पिछले दो साल पहले आपको ये नहीं लड़ाइयाँ दिखती थी हिंदू और सिख आपस में लड़ रहे हैं लेकिन ये अब शुरू हो गया है आप इंस्टाग्राम के पेजेस पे चले जाइए पंजाब रिलेटेड वहाँ पे आप देखिए अच्छी गालियाँ कोई लिंडुस्तानी बोल रहा है कोई उसको लस्सी करके कोई बोल रहा है मतलब ऐसे ये पोलराइजेशन कहाँ से हो रहा है सर यही ये, ये, ये ये, तो है ना इस वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ के देख लेना दो दिन के बाद आप कमेंट को उसको रिसर्च करवा लेना इसे सोशल मीडिया की ट्विटर के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू उसको पता चलेगा मेजोरिटी ऑफ द जो जो कमेंट आ रहे हैं ना वो पाकिस्तान से आ रहे हैं

यूपी में ठीक है और कलकत्ता में रह रहा है जो बड़ी प्रोग्रेसिव है वेल रिस्पेक्टेड हैं और हमारे तख्त भी बाहर हैं ये देखो वो गुरु साहब पैदा कहाँ हुए थे दसवें गुरु कलकत्ता में सॉरी बिहार में बिहार में पटना में पैदा हुए थे ना तख्त वहाँ भी है हजूर साहब भी है महाराष्ट्र में ये देखो इसका मतलब जो खालिस्तान की ऐसी बदतमीजी करके भी इतने जो सिख प्रोग्रेसिव जो सोसाइटी है जिनका इनके साथ इशू नहीं है इसीलिए जो 1984 में इशू हुआ था इंटरेस्टिंगली उसकी इन्वेस्टिगेशन भी पता हो, चलता है क्योंकि 1984 में सिखों को कभी सोच ही नहीं सकता था दिल्ली का सिख सोच ही नहीं सकता था, भी हमारी क्या गलती है हमें को कौन मारेगा हाँ सही बात है देखो उनको टोटली अनवेयर वो कहते भी जो हो कह रहा है वो तो उसी समय पता चला ना जो जो कांग्रेस के गुंडों ने आकर उनको मारना शुरू कर दिया इसीलिए गुरुपतवंत की इसकी जो खालिस्तानी एलिमेंट बाहर बैठे हैं वो तो एयर कंडीशनों के कमरे में रहते हैं उनकी फंडिंग भी आ रही है वो गुंडे भी हैं उनके पास मसल पावर भी है उनके पास सब रिसोर्सेज हैं वो तो इन्जॉय कर रहे हैं फ्लर्ट कर रहे हैं इस हिसाब से क्योंकि तो आज तक उनके पास कोई कोई उनके पास कोई भी बेस नहीं था उनको कोई भी स्पेस नहीं थी कम्युनिटी सिख कम्युनिटी नहीं देती थी, थी अब ये धीरे धीरे से गुरुद्वारे में कब्जा करना शुरू कर दिया और इमेजिन करो स्टॉकटन का गुरुद्वारा वन ऑफ द फर्स्ट गुरुद्वारा इन नॉर्थ अमेरिका है जो गदर बाबा ने जो जो गदर मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट करतार सिंह सराबा और वो लोग सारा कुछ छोड़कर वापस आकर उन शहादत दी देश को आजाद करने के लिए उनका गुरुद्वारे पे आज इनका खालिस्तानियों का कब्जा है और गुरुद्वारे से फिर फंडिंग भी आती है और गुरुद्वारा फिर फिर इतना ज़्यादा सोर्स प्रोपोगंडा का सोर्स बन जाता है एक तरफ जो गुरु ग्रंथ साहब रख लेते हैं फिर वो गुरबानी करेंगे पढ़ते पढ़ते पढ़ते, पढ़ते गुरबानी का सहारा लेकर भी वो खालिस्तान की बात करेंगे फंडिंग की बात करेंगे प्रॉब्लम तो ये है ना ये प्रॉब्लम बड़ी सीरियस है और दूसरी प्रॉब्लम मैं कहता भी ज़्यादा प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है अगर गुरुपतवंत सिंह फन्नू एयर इंडिया को थ्रेट कर सकता है एयर इंडिया के ऑफिस नहीं है वहाँ एयर इंडिया का अमेरिका में स्टाफ नहीं है कनाडा में स्टाफ नहीं है और एयर इंडिया प्राइवेट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयर इंडिया खुद नहीं करती तो इसको पुश करना चाहिए भी भैया जाकर उन लोगों को बोलो इसके खिलाफ भी उसी जस्टिस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में इसके पन्नू के खिलाफ केस होना चाहिए केस रजिस्टर होना चाहिए ये ये आदमी बिल्कुल अंदर होना चाहिए जेल में अंदर होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज ही इज़ वेरी वेरी डेंजरस क्रिएचर जो है ऐसा क्यों नहीं कर रहे है? जे जे मेरी समझ से बाहर है क्योंकि एयर इंडिया के पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं कोई आम आदमी है वहाँ इतनी महंगी होती है जो जो भी लीगलेट होती है महंगी होती है इनके पास सारा कुछ है इनके पास रीजन है इनके पास ये देखो ये मजाक की बात नहीं थी भी, किसी किसी उ, उसको थ्रेट करना अब अगर इनको करना चाहिए क्यों नहीं करते एम टोटली क्लूलेस और दूसरी बात इसके पास इतना लाइसेंस आ गया वो पहले दिन देखो ए, एक हफ्ता पहले तरनजीत सिंह संधू जो हमारे सरदार हैं रिस्पेक्टेड सरदार हैं एम्बेस्डर हैं वो वाशिंगटन डी सी में जिनकी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यू प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है ना और उसके मिस्टर तरनजीत सिंह संधू के जो फादर थे तेजा सिंह समुंदरी एस के वो वन ऑफ द फाउंडर थे और दरबार साहब में उनके नाम पे एस जी पी सी के दरवाज़ा जो बना हुआ है जो हॉल बना हुआ है तेजा सिंह समुद्री हॉल बना हुआ है इमेजिन करो पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते वाशिंगटन डी सी और न्यूयॉर्क के कुछ एरिया के कुछ इलाके में तरनजीत सिंह संधु जब गुरुद्वारा गए एज ए सिख उसका भी प्रोटेस्ट किया इन लोगों ने जे 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 देखो जे जे मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा ना बात बढ़ जाएगी और जो मैं बोलना चाहता हूँ और मैं मैं हटूंगा नहीं और बोलूंगा ये जाकर मैं कम्युनिटी में वो करूंगा क्योंकि एवेंटली क्या अभी देखो ये किसी हिंदुओं को या हिंदुस्तान को या इंडिया को कोई कुछ नहीं कर सकते इंडिया एक इमरजिंग टनो एक इकॉनमी एक एक है और अमेरिका जैसे कंट्री कुछ मर्जी कर लें बड़े बड़े कंट्री और सारी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन ये जो कुछ बदतमीज़ लोग हैं ये सारी की सारी सिख कम्यूनिटी की इमेज को खराब कर रहे हैं और दूसरी बात नॉट ओनली ऑनली सके किसी के अमेरिका के भी नहीं हो सकते ये देखो सिंह गुरप कोविड के दौरान जो चाइना के मिस्टर शिपिंग है उसको लेटर लिख रहा था कहते हाँ, हिंदुस्तान के जो इंडिया के जो जो आर्मी को जो कुछ जवानों को शहीद हुई हैं उसको एक्नोलेज कर रहा है भी अच्छी बात की है 2020 हजार बीस में हाँ।, हाँ जी हाँ उसने किया है और उसके बाद जब देखो दो दो हफ्ते पहले अभी देखो अभी आज जाकर यूट्यूब में देख लो जो सोशल मीडिया में देखो बदतमीज कुछ बंदे जो एस एफ जे के बंदे हैं जो सैन फ्रांसिस्को में गलियों में और जंडा लेकर मोदी जी की एफ जी लेकर वहां घूम रहे हैं ठीक है और कहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल की कॉन्सलेट के सामने ये ये, ये एक एक किसी चीज की हद होती है ये किसी के सके नहीं हो सकता मतलब बेशर्मी की हद है। हद है, बिल्कुल हद है बेशर्मी भी होती है इसमें इस दिमागी तौर पर भी क्योंकि एजुकेशन तो है नहीं इन लोगों के पास ये जो लंडा लुच्चा लफंगा ये सारे इकट्ठे हुए हैं जे गुंडे लोग हैं ये जो फ्रिंज एलिमेंट थे थोड़े थे अब इकट्ठे हो गए हैं जिनको सोसाइटी में कभी एक्सेप्ट नहीं किया उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस ने करके भी हाँ जी हमारे काम आएंगे इसको बोल दो इधर काम लगा दो और जो चल रहा है सर थोड़ा वापस आते हैं भारत और यहाँ की थोड़े पंजाब के बारे में बात करते हैं पंजाब को जैसे uh, बीजेपी की आर एस की बात की ये लोग तो जब से मतलब दशकों से यहाँ पे एक्टिव हैं आर एस भी और भाजपा भी अब जनसंघ था उससे पहले और कांग्रेस भी अच्छी खासी पकड़ है आज भी कितनी कमज़ोर हो गई है पंजाब में वो भी है लेकिन एक दस साल पहले आई पार्टी आम आदमी पार्टी वो पंजाब की सोसाइटी को इतना अच्छा से समझ गई कि वो पावर में आ गई और इस तरीके से पावर में आई कि आज तक कोई उतनी सीट जीत भी नहीं पाया इतनी जबरदस्त और एक तरफ से भाजपा है वो समझ ही नहीं पाती है कि ये पंजाब में हो कैसे कांग्रेस जहाँ एटी फोर करके जीत जाती है और ये बीजेपी वाले बिना कुछ करे सारा ब्लेम खा रहे हैं तो ये क्या है पंजाब को समझाइए थोड़ा कि क्या और पंजाब में भी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे जो लोग नैश, प्राउड नेशनलिस्ट हैं पर वो ज, भिंडरा वाले को संत बोलते हैं नाम संत से ही एड्रेस करते हैं उसको टेररिस्ट नहीं मानते तो ये मतलब अजीब सी <laughs> सोसाइटी का थोड़ा समझाइए क्या है आपने नहीं, मेरे को एक याद करा दिया के गाना था मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग <laughs> तेरे लिए, लिए। बीजेपी का हाल है ये <laughs> बीजेपी मुन्नी है अकाली दल की अकाली दल से दो सरकारें चलाई इन लोगों ने और बीजेपी ट्वेंटी परसेंट की से ज्यादा इनको टिकटें नहीं देते थे जो अकाली दल की जो गलतियां थी वो उनकी वजह से इनको भी जो बदनामी फिर मुन्नी जे, जे भी हुए क्योंकि जो कहते थे भी इवेंचुअली क्या मैसेज आता था पंजाब के जो लोग हैं पंजाब के लोग बड़े समझदार हैं इसमें उनको इग्नोर नहीं कर सकते भी हाँ उनको कुछ नहीं पता पोलिटिकली आर वेरी वेल अवेयर और क्योंकि उनको पता था भी ये मैसेज क्या जा रहा था भी जो स्पेशली अकाली दल की सरकार के दौरान जो अकाली दल से जो गलतियां हुई हैं जो बलंडर उन, उनसे हुए हैं इसमें कोई शक नहीं अच्छे काम भी हुए हैं बड़े बादल साहब ने बहुत अच्छा अच्छे काम किए हैं लेकिन कुछ ब्लेंडर भी हुए हैं ब्लंडर स्पेशली गुरु ग्रंथ साहब की वेद भी है ना वो कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती ना ही हम करेंगे ठीक है ना उनकी सरकार के दौरान हुए और उसके बाद स्पेशली जो डीजीपी साहब थे जो उन जो मिस्टर कंट्रोवर्शियल ऑफिसर थे उनको डीजीपी लगाना और लोगों की सेंटिमेंट से जो जुड़े हुए कुछ चीज़ें थी ना उसकी वजह से लोगों को परेशानी थी परेशानी थी क्योंकि इनका जो अलायंस था फिर बीजेपी के साथ था अकाली दल का बीजेपी के साथ अलायंस था, था अभी सेंटर में भी वो आ गए थे और सेंटर में उनके मिनिस्टर्स थे और जो भी कुछ होता था ऑब्वियसली सो देन गिव एंड टेक होता था बीजेपी की तो हुई है बीजेपी तो मुन्नी बदनाम उनक, उनकी वजह हो गई बीजेपी का लोकल ग्राउंड पे अगर अगर जाकर देखो कोई ज्यादा ऐसा नहीं है वो बीजेपी को कोई नफरत नहीं करता लेकिन बीजेपी का जो कैडर था उनको बढ़ने नहीं दिया अकालिया ने वो अकालियों की स्ट्रैटेजी रही है भी इसको कुछ लोगों को अच्छी पोजिशने दे दो दो तो दो चार को बाकी को बाकी कैडर मत घुसने गाँव में बिल्कुल नहीं घुसने दिया हुँ. क्योंकि ये, ये तो ज्यादा शहर में वो इनकी वोट बैंक था उनको एक्सपेंड होने दे दिया उनकी अपनी स्ट्रैटेजी थी वो पोलिटिकल पार्टियों की होती है ठीक है कांग्रेस की बारे में आप जानती हो ठीक है ना कांग्रेस बहुत शरारती है और इतना नुकसान करके सिखों का इतना सिखों का पंजाबियों का नुकसान करके फिर भी पवर में बारी बारी फिर सरकार बना रही है ये क्या रेसिपी है रेसिपी आई थिंक जो जो इस पे भी इस इज अ गुड क्वेश्चन क्योंकि रेसिपी ये है भी आई थिंक जो बीजेपी सरकार को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो समझना चाहिए डैशपुरा को नब्ज नहीं समझोगे ना उतनी देर सोल्यूशन नहीं होएगा आई थिंक ये चीज़ इनको शायद कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए बीजेपी को हाँ बीजेपी को डेफिनेटली मैं 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 शर्म ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ ये सीखनी चाहिए को उनके पास क्या हम कहते हैं गिद्दड़ सिंह ही थी उनके पास ना भी जो इतना नुकसान करके सिखों का सिख फिर भी उनके खिलाफ नहीं हुए इतना ज़्यादा जितना होना चाहिए थे अभी जो मोदी जी सरकार में आए हुए हैं उस दिन से कितनी ज़्यादा वायलेंस एंटी सिख अं, नो एंटी हिंदू एंटी इंडिया एंटी आर एस सारा कुछ प्रोपोगेंडा चल रहा है ना क्यों चल रहा है उसका एक बड़ा रीज़न है अकाली दल ने हमेशा समझ सॉरी कांग्रेस ने समझ कर ना वहाँ जो डायसपुरा में जो कुछ प्रोमिनेंट लोग थे पाँच दस ज्यादा नहीं है पाँच से दस जो लोग थे उनको खड़ा किया उनको इम्पावर किया उनको जो लोगों के लोकल इश्यू थे वो लोकल सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ एम्बेसी कॉन्सलेटों के साथ मिलकर वो लोगों को काम करवाते थे वहाँ लोगों का कोई भी इश्यू कंसर्न होता था वहां लोकल लेवल पे एड्रेस हो जाता था क्योंकि वो पंजाब में 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 प्रॉब्लम डायसपोरा से पंजाब में आती है ना आ, जहां से पंजाब में नहीं जाती आ, तो पंजाब डायसपोरा करता है ना डायसपुरा में बैठकर लोग करते हैं अगर पन्नू के जो लोग आजकल पीछे काफी देर से चल रहे हैं ना आज कोई लीडर नहीं है अब कोई लीडर नहीं है लोग किसके पास जाए फिर लोगों को कुछ थोड़ी छोटी परेशानी होती है किसी का वीजा नहीं मिल रहा किसी को -थो� पासपोर्ट नहीं मिल रहा कोई इश्यू है किसी के पास पेपर नहीं है दिस एंड दैट हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है ब्लैक लिस्ट भी ख़त्म की पासपोर्ट इश्यू किए लेकिन सारा कुछ ओवरनाइट तो नहीं हो सकता वो जो गैप है ना उस चीज़ की वो जो लोगों में रंजिश होती है गुस्सा होता है पंजाबी के पे, पे पेशेंस तो नहीं होती उसको एड्रेस करने के लिए मोदी जी के पास कोई आदमी नहीं है टेल मी आई आम ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ इफ़ देर इज एनी सेकंड सुखी जो हिंदुस्तान के बारे में ऐसी कोई बात करे मैं चैलेंज करता हूँ आपके आपके मीडियम के ऊपर भी चैलेंज करते हो दूसरा सिक्खी नॉर्थ अमेरिका में ढूंढ कर दिखा दो क्यों नहीं है मैं चाहता अगर मैं बोलता हूँ ना मेरे जैसे सौ लोग होने चाहिए सौ सुखी होने चाहिए अगर सौ नहीं तो पचास सुखी होएंगे ना तो देश की बात करेंगे कम्युनिटी को जोड़ेंगे वो तो प्रॉब्लम है ना और प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम है जो मोदी जी के घर में जो हॉस्पिटैलिटी बाहर से डायस्पोरा से लोग आकर लेकर गए थे जिनको किसान एजुकेशन के दौरान बो डिपोर्ट कर दिया था पता नहीं उन लोगों ने एक साल में क्या कंट्रीब्यूट कर दिया उनको मोदी जी ने जो सबसे बड़ा अवार्ड था प्रवासी भारतीय अवार्ड भी उनको दे दिया ये लोग पंजाब का आदमी है जो पंजाब और डैशपुरा में जो बहुत अच्छी तरह समझते हैं वो कहते भी नहीं ये गलत है जो कुछ हो रहा है और तीसरी बात मोदी जी ने शायद ये समझ कर उनको अवार्ड दे दिया अभी ये जाकर अच्छी बात करेंगे हमारी भी बात करेंगे कम्युनिटी की बात करेंगे और लोगों की तरफ से एक जीरो बयान है आजकल मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और जाकर सर्च करके देख लो और जिन लोगों ने इतनी हॉस्पिटैलिटी प्राइम मिनिस्टर के हाउस में इंजॉय की है और वादे किए हैं भी हम जाकर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे उसने कुछ नहीं किया क्या ये भी तो वही कर रहे हैं ना जैसे कांग्रेस जो कर रही थी कि वहाँ पे इनको थोड़ा पीजमेंट करना और वो सब लेकिन नहीं सर फाइंड द राइट पीपल अच्छा मतलब दे दे आर आर नॉट नॉट ट्रस्टिंग एबल टू गेट द राइट अगर की क्रेडिबिलिटी नहीं है आपकी आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है कम्युनिटी में आप बोल ही नहीं सकते दम नहीं है ना जिक्र भी चाहिए ना ऐसा थोड़ा भी हां हाँ आपके पास दो पैसे हैं अभी आपको सारा कोई एक्सेप्ट कर लेगा पंजाबी ऐसे नहीं करता हम्म hmm. पंजाबी ऐसे उसके वो आपकी हिम्मत देखते हैं देखते हैं भी आप खड़े हो सकते हो मेरी मेरी जरूरत है मेरी हिम्मत है मेरे मेरे मेरा क्रेजियस है वो मेरा माइंड सेट है जो ओवरनाइट नहीं है ये पिछले तीस साल से मेरी देख लो मुझे ना कभी ऊपर गया ना नीचे गया ठीक है ना वो वो लड़ाई लड़ेंगे देश के लिए लड़ेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ेंगे सभी के लिए लड़ेंगे जो जो सच्चाई है उसके लिए लड़ेंगे अगर किसी आदमी को उठाकर भी हाँ उसके पास दो पैसे हैं किसी ने बोल दिया उसको आप हाईलाइट करोगे कल आदमी भाग गया और वो सभी सभी के सभी लोग भाग गए अब उसको वो सारा वैक्यूम है इसलिए आपकी कोई बात करने वाला सिख कम्युनिटी है ही कोई नहीं है तो आपके हिसाब से मेन प्रॉब्लम जो पंजाब में आती है एज अ प्रॉब्लम डायस्पोरा से डायस्पोरा कंट्रोल मैनेज करता है सर जितना पैसा आता है हर एक घर से हर एक घर का कोई ना कोई आदमी बाहर बा, बैठा है कई mm. तो गांव के गांव बाहर बाहर बैठे हैं और उनके पास दे आर वेल सेटल्ड दे आर ऑलवेज कंसर्न क्योंकि हमारा सुबह से शाम तक हमेशा ही रहता भी आज किसने क्या वैन दिया किस पोलिटिकल पार्टी ने में क्या किया पंजाब में क्या हो रहा है दिस एंड दैट वी आर मोर वेल अवेयर इन इन द डाइसपोरा नॉर्थ अमेरिका में कैनेडा में बैठे हैं जो लोग स्पेशली दे आर मोर अवेल मोर अवेयर देन द पीपल जो पंजाब में रहते हैं उनको ज्यादा पता होता है क्योंकि हमारा कंसर्न होता है ना जो मिट्टी के साथ हमारा साथ तो तो गवर्नमेंट होते है। होते है। क्यों क्योंकि क्योंकि के पास कोई आदमी नहीं है मैं नहीं कहता को उसको कोई हाँ किसको पेरे ओल पे रखो या नहीं उसको इज्जत दो उनको वो वहां इतने समझदार लोग हैं उनकी बात सुनो उनके पास बैठो उनको स्टैंड अप करो वो अपने देश हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं ये तो ड्राई नहीं कर सकता भी मैं अमेरिकन मैं तो सिर्फ अमेरिकन हूँ मैं ये ये तो नहीं कर सकता ना देखो मैं आई एम प्राउड टू बी अमेरिकन ना क्योंकि मेरे पास सिटीजनशिप है मेरे बच्चे वहाँ हैं ठीक है वहाँ की सारी फैसिलिटी इन्जॉय करूँ बट एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मतलब डी में तो है ना नहीं सर मेरी पैदाइश यहाँ है ना मैं जहाँ का बॉर्न हूँ मैंने जहाँ की मिट्टी मिट्टी में मैंने पानी पिया है मैंने खाना खाया है मैंने नमक खाया है मेरे को एजुकेशन मिली है अगर जहाँ से सारा कुछ करके मैं अमेरिका में सेट हो गया हूँ अगर नहीं करूँगा तो मेरे से बड़ा गदार कौन होगा मैं तो जो भारत मात की मैं कहता हूँ कि जो जो मैं मैं कोई एहसान नहीं कर रहा लड़ाई करके मैं जो अपना जो फ़र्ज है मैं तो फ़र्ज पूरा कर रहा हूँ वो फ़र्ज़ है वो गुरु नानक देव जी की फ़िलासफी है वो सारे गुरुओं की फिलासफ़ी है वो सिख धर्म की फिलासफ़ी है भी हाँ एहसान खरा नहीं होना नाम जपो बंडशको किरत करो ये तीन तीन हैं मन जान भी चलो ठीक है सिक्खी में विश्वास करते हैं मैं पूर्ण सिख नहीं हूँ ना मैं कभी क्लेम करूँ मैं कोई ऐसा नहीं मैं कोई फर्नेटिक या कोई ऐसा कोई अमृतदारी नहीं हूँ मैं कभी क्लेम नहीं करूँगा मैं मेरे भी बाल कटे हुए हैं सिक्सटी सेवेंटी परसेंट लोग पंजाब में रहते हैं आजकल पगड़ी बनते हैं उनके भी बाल कटे होते हैं आई एम नॉट दैट डज नॉट मीन कि मैं उनके उन उनके से कम सीखूं जो आ, आपने अपने आप को ठेकेदार बने बैठे हैं दाढ़ी इतनी बड़ी रख कर गोल एक और दमाला बनकर या पगड़ी बनकर कोई सिख नहीं बन जाते हो सकता भी मेरे से आप ज़्यादा अच्छे सिख हो बहुत हिंदू लोग हैं जो सिंधी हैं उनके उनको exactly. कितने हाँ वो पाकिस्तान से आए से कोई मध्य प्रदेश में रहता है वो कहीं रहता है उसकी विश्वास है गुरु गुरु नानदीप वो एक देव दादा चिलाराम जी है सिंधी हाँ हाँ बहुत बढ़िया और ये ये बात मिजी जहाँ भी बहानी हो रही जहाँ भी कुछ एलिमेंट है हुँ. जो जिन लोगों ने इतनी ज्यादा बुरी जो करतूत इनकी क्या है भी आप सिक्खी से जोड़ने की बजाय वो कहते भी हाँ वो कहते भी वहाँ इंदौर के इलाके में मध्य प्रदेश में जो सिंधी लोग थे जो कितनी जनरेशन से गुरु ग्रंथ साहब उन लोगों ने गर्म में रखे हुए थे कहते भी नहीं ये बेअदबी है हमें गुरु ग्रंथ साहब उठा कर ले गए महाराजा रंजीत सिंह ने उनको दी थी हाँ वो देखो ये यही है ना प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम ये है भी सबसे ज्यादा जो जहर और भी गोल रहे हैं ना वो सिक्खी के प्रचारक लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन वन सिक्खी के जो आज के प्रचारक हैं मैनी ऑफ दैम आई आई विल से मेजोरिटी ऑफ दैम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रूट काज वो हैं जो नफ़रत वो पैदा कर रहे हैं स्पेशली हिंदुओं के खिलाफ और कोई नहीं कर रहा क्योंकि hmm. तो उन लोगों को सिर्फ चार पैसे के लिए जहाँ अमेरिका में जाएंगे कनाडा में जाएंगे वहाँ के गुरुद्वारों में सभी लोग बैठे हैं गुरबानी की बात करेंगे ग्रंथ से भी बात करेंगे लेकिन फिर जब सारी आपकी जो ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया तो उस समय फिर ऐसी चोट मारेंगे भी हाँ सिक्खी को खतरा है से खतरा है सारे नायक बनने के कंपटीशन में चल पड़े बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये, ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भी हैं सिक्खी की जो ये देख लो हमारी जो पिछले सेवेंटी फाइव ईयर का इतिहास है उसको इतना गलत तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है क्योंकि गुरबाणी को तो बहुत दूर है ये लोग अगर मेरा अगर मैं सिख हूँ मेरा विश्वास जो वो गुरु ग्रंथ साहब में है गुरु ग्रंथ साहब में गुरबानी है वो कितने पीर हैं फकीर हैं हिंदू हैं भगत हैं सभी की गुरबानी है वो हमारे सिर्फ शे गुरु गुरु साहब की बानी नहीं है अगर उनको इतनी अहमत दी गई है हमारा मेन फाउंडेशन है जो बेस है वो तो गुरु ग्रंथ साहब है ये गुरु ग्रंथ साहब का एक ओट लेकर फिर वो इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं साखियां सुनाते हैं जो इलॉजिकल होती हैं जिसके आजकल क्योंकि साइंस का युग है मिनट में आपको प्रूव कर दूंगा नहीं ऐसा हो नहीं सकता ये करामाता की बात करोगे जो करामात की में एग्जिस्ट ही नहीं करती ये ऐसी बातें करेंगे ना फिर धीरे धीरे से और ये देखो पंजाब में डेराबाद क्यों बढ़ रहा है आजकल इन लोगों की वजह से ना जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आरएसएस तो नहीं है ना उस लिए तो श्रोमणी कमेटी वहाँ बैठी है ना अकाल तख्त के जथेदार बैठे हैं उसके लिए क्यों नहीं वो करते चैलेंज करते उसके लिए क्यों नहीं जो डिक्टेटेशन इशू करते भी हाँ भैया पंजाब में जैसे लगातार कन्वर्जन हो रही है लगातार वो जो जो गुरुद्वारे भी हैं दूसरी कोई कोई जे रमदासियों का गुरुद्वारा बन रहा है जे जे रामगढ़ियों का गुरुद्वारा बन रहा है और उनके शमशान काट भी अलग हो रहे हैं जहाँ भी हो रहे हैं डैसपुरा में हो रही है जो तो सिक्खी की बुनियाद ही नहीं है ये अगर शिरोमणि केटी को बोलना है काल तक के जथेदार साहब को बोलना है तो तो इस इस पे बोलना चाहिए ना ना के भी हाँ भी हमको खतरा जा रहा है मैं, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं इसकी सच्चाई बताऊँ आपको बताओ क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है ना वो जाट है जाट सिख अब वो एक कास्टिज्म वाला फैक्टर है कहीं ना कहीं ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं ना ये दलित हो रहे हैं इनको होने दो अच्छा है ये एक्चुअली में ये कहीं कही कही ना कहीं सबकॉन्शियसली है कि जट सिख तो नहीं हो रहे ना इनको होने दो तो जो हमारा जो डोमिनेंस है ना जट सिख का ओन सिक्कि वो मेंटेन रहेगा अब मुझे नहीं पता ये मेरा एनालिसिस है आपका एनालिसिस कुछ हद तक ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग मैं ऐसी ऐसी कहता हूँ कि कुछ लोगों को जो पंजाब में नहीं रहते ना कम्युनिटी में नहीं रहते शायद उनका बाहर से देखते हैं तो ऐसी एक एक नैरेटिव बन जाता है पंजाब में ऐसा हो रहा है ये गलत बात है अच्छा जो आपकी जो जो कह रहे हैं ना उसके पीछे एक चीज और है जो जे जहां हद तक वो आप कह सकते हो जो गरीब तबका है अंडर प्रिवलेज है दलित भाईचारा उसके लोग कन्वर्ट हो रहे हैं पंजाब में इसमें कोई शक नहीं है ठीक है लेकिन रियलिटी ये है उसको कन्वर्ट करने वाले जो प्रीचर है ना तो आउट ऑफ फोर वो तीन <laughs> सरदार है जो जट सिख है जट सिख और जो सारे डेरा वाले हैं वो भी तो जट सिख सारे डेरा के जो 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 भी मेन डेरे हैं पंजाब के वो कौन है वो जट सिख है फिर आप हम कैसे कह सकते हैं ना भी ठीक ये जो सिक्खी की बुनियाद है सिक्खी की बर्बादी है सिक्खी की बेहद भी है वो जड़ से कर रहे हैं फॉलोअर्स नहीं है लेकिन नहीं सर उनके फॉलोअर भी हैं लेकिन जड़ सिख फॉलोअर थोड़ी हैं उनके। जितने फॉलोअर ठीक है वो जड़ सिख होएंगे वो ए, एक उसके वो जड़ तो सिक्खी में ही है वो है? वो वहां से नहीं हिल रहे हैं हाँ लेकिन जो ये जो नहीं मान... जिसको शूट करता है ना ये तो देखो उसको वहां कोई फर्क नहीं पड़ता हो चाहे वो जट सिख हो जो देखो जो अभी वो जो एक सरसे वाला साध है जो उसको बोलते हैं ना सरसा अच्छा वाला हाँ वो राम रहीम सिंह रही काफी इंसान क्या क्या ठीक है ना वो भी तो सिख वो भी जट सिख जट सिख है ठीक है ना उसका मतलब ये तभी भी उसके फॉलोअर नहीं है है और भी कितने डेराबाद दे, पंजाब में क्यों प्रफुल्त हो रहा है नहीं मैं कर... मेरा मतलब जनरल एनालिसिस है कि अगर एक कास्ट का किसी भी रिलीजियस मैटर्स में किसी भी रिलीजन में अगर वो हाईवी होता है तो वो अपने करेक्टरिस्टिक्स को मतलब ये एक कास्टिज्म का एक वो है नहीं आ, सर करेक्टरिस्टिक है कि वो मतलब दे वांट टू मेंटेन क्योंकि वहाँ पे ये है कि इट्स अ पावर थिंग नाउ पावर थिंग भी होती है डिपेंडेंसी भी होती है इकोनॉमिक्स डिपेंडेंसी अगर किसी के पास किसी के ऊपर होती है ऑब्वियसली सो so आपके पास अप्रह होता है रियलिटी है जट हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं भी एक जट सिख सीखू ठीक है ना मैं जट हाँ, दिमाग सी हाँ, 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 आप, आप जाट हो मैं जट हूं ठीक है ना एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ ठीक है आप आप जट जट हो आई एम प्राउड दैट मैं सिख ठीक है लिमिटेशन तो हम भी हैं मैं मैं समझता लिमिटेशन है और इसका मतलब ये भी सारे के सारे बुरे जो, जो गुरुद्वारा कब्जे भी आजकल कल में हो रहे हैं ना और ज्यादा गुरुद्वारा जो जो डरा में होते उसका लीड भी जट ही होता है लड़ने वाले भी तो जट सिख है गुंडागर्दी का आजकल जो सिख होता है वो होता है अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये मैं नहीं कह रहा भी मैं मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ आप वैनकूवर की टोरंटो की खबरें पढ़कर देख लो दो एक छः महीने की देख लो कितने जट सिख ड्रग में पकड़े गए हैं कितने जट सिख के बच्चे हैं वो गैंग वार में इन्वॉल्व हैं और कितने मोस्ट वांटेड जो आउट ऑफ ट्वेल्व हैं वो सारे के सारे की दिक्कत ये है ना कि जो नरेटिव चल रहे हैं वो भी जट सिख वाले जो गुरुद्वारे हैं उनके कंट्रोल में है वो चला रहे हैं तो विक्टिम भी तो वही बनेंगे ना बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जैसे एक फेमस होता था आपको तो पता ही होगा कि जब एक साइड जैसे केपीएस गिल थे तो वो भी जट सिख थे बिल्कुल। और जो दूसरी साइड लड़ रहे थे वो भी जट सिख थे तो शायद कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि उनको कुछ बोला था किसी नॉन सिख ने या नॉन सिख ने तो उनको बोला था तुम चुप रहो ये जट्टों की लड़ाई है जट्टों, जट्टों की लड़ाई किसने करवाई पाकिस्तान का एजेंडा तो उनका था ना उसने बर्बादी किसकी हुई सिख कम्युनिटी की हुई सबसे ज्यादा नॉट ओनली सिख कम्युनिटी की हुई पंजाबियों की हुई और उसमें हिंदू भी उतने मरे hmm. और हिंदू बेचारे नत्थे मरे जो सबसे बड़ी बात है एक तो आदमी मेरे पास ए के फोर्टी सेवन है मैं निकल चुका हूँ घर से भी हाँ मैं इस मोमेंट के साथ हूँ मेरे को पता है मैं एक दो ए, मेरी एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज है मेरे पास छः hmm. महीने साल में उसके बाद मेरा भी इनकाउंटर हो जाएगा चाहे फेक हो चाहे असली हो उसको पता होता है लेकिन जो बीच में से हिंदू कम्युनिटी यार बसों से बस उतार करो उनका कसूर क्या था क्योंकि हिंदू थे आरएसएस के लोग बेचारे शाखा लगा कर वो कर रहे हैं मोगा में तीस तो ट्वेंटी थ्री को उनको मार दिया स्टूडेंट को मार दिया इतने जो जो एक स्वराज ट्रक बनता था ट्रैक्टर बनता था उसकी फैक्ट्री थी उसके थर्टी जो इंजीनियर थे वो मार दिए और रोपर के रोपर डिस्ट्रिक्ट में वो सारी की सारी इंडस्ट्री चलेगी पंजाब से वो शुरुआत वहाँ से हुई और उसके बाद बरनाला में सुरजीत सिंह बरनाला उस मिनिस्टर से वो वहाँ उसने इंडस्ट्री लगानी शुरू करी साउथ से काफ़ी इंजीनियर आए थे उनको सारे के सारे इंजीनियर को मार दिया वो इंटेलेक्चुअल जो सारा था लोग इसीलिए चले गए बाहर और ये उसके बाद पंजाब कभी रिकवर नहीं करा रिकवर नहीं करा रिकवर नहीं करा क्योंकि जो पहले जाता था पंजाब से जाते थे लोग जाते थे डैसपुरा में रिस्पेक्ट का एक रीजन ये भी था लोग एजुकेटेड जाते थे ज़्यादा hmm. लोग पढ़े लिखे जाते थे अगर जिनके पास एजुकेशन नहीं भी है ना वो जाकर अपनी दस नहों की कमाई करने के में विश्वास रखते थे वो हार्ड वर्क में विश्वास रखते थे आज कल क्योंकि स्पेशली एट्टीन नाइनटीन के बाद पंजाब का जो एजुकेशन का मैार है वो कॉलेज खुल गए बहुत ज़्यादा दुकानें दुकानें खुल गई ना आज देखो कोई भी स्टूडेंट जो बाहर जा रहा है उसके पास एक आईलेट होता है वो आई को भी डिग्री समझते <laughs> तो लगता है, सर, जो पहले जो है अगर आप ओल्ड देखोगे एट्टीज से पहले जो लोग गए थे पढ़े लिखे वो बिजनेस मैन बने हैं वहां पे अच्छे जॉब्स लेके और जो एट्टीज के बाद गए वो कोई टैक्सी चला रहा है कोई ट्रक चला रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्किल सेट नहीं है ना एजुकेशन नहीं है और दूसरी बात हड हरा हम बोलते हैं और जो पंजाब में से जो लेटेस्ट लोग आ जा रहे हैं वो कहते हैं भी जो हमने हमारे घरों में खेतों में काम करना है हम तो बिहार से आकर कोई या यूपी से आकर लोग करेंगे हमने तो ऐश करनी है मेरे पास तो वो बुलेट मोटरसाइकिल हो हमने तो पटाखे पाने हैं पर एसेंशियली बात ये है ना कि जो बिहारी की स्टेटस और जो काम उसका यहाँ पे है पंजाब में है वही पंजाब से जो निकल के कनाडा में जा रहा है वही काम वो कर रहे हैं उसी वो के लेबर है, ये के लेबर है। मैं कहता भी अगर वो बिहारी के साथ भी खेत में काम करता ना उसको पता होता भी मेहनत क्या चीज होती है आज जो बिहार जो, जो, जो पंजाब में बिहारी लोग आते थे जो यूपी के लोग उन लोगों ने अपनी इतनी जगह बना ली रिस्पेक्ट बना ली वो गांव में सरपंच भी इलेक्ट होने शुरू हो गए प्रोस्पेरिटी उनमें आ गई वो अपने बच्चों को एजुकेट करके वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो पंजाब के रहने वाले लोग थे वो सिर्फ ऐश परस्ती में वो कहते हैं नई हड हरामी में पढ़ गए कोई मेहनत नहीं की कोई, कोई एजुकेशन ली और फिर जहाँ से जो जाते हैं अमेरिका में या कनाडा में जाते हैं ऑब्वियसली इस तो जो ये होते हैं भी ये तो हम जॉब नहीं मिलती और वही लोग होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जो किसी किसी काम के नहीं रहते ना फिर तो फिर जहाँ जो इसका खालिस्तान का इशू चलता है ड्रामा चलता है उनके ट्रैप में फंसते हैं और रेडिकलाइजेशन भी इन्हीं लोगों की सबसे ज्यादा होती है इज़ ए वेरी वेरी बिग मैटर ऑफ कंसर्न टू मी सर हमने बहुत सीरियस बातें कर ली लेकिन आखिरी में मैं थोड़ा सा लाइट बात करते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुना है कि आपके बहुत अच्छे मित्र भगवंत मान हैं तो अभी उनकी सरकार चल रही है तो आपके हिसाब से मतलब जो जीती इतनी बड़ी हुई है तो आशाएं बहुत बड़ी हैं पंजाब में उस हिसाब से क्या बताइए आपके दोस्त कैसा काम कर रहे हैं देखो मैं क्या दो... आपके क्या आपके दोस्त ही सरकार चला रहे हैं या दिल्ली दिल्ली दरबार सरकार चला रहे हैं नहीं देखो मैं तो कहता भी, मेरा मेरा गांव और भगवंत मान जी का गांव लाइक ऑन द वॉकिंग डिस्टेंस वी नो इच अदर फॉर सो लॉन्ग लॉन्ग एन अमेरिका में जाते हैं वहां भी मिलते हैं पहले भी इलेक्शन से पहले मैं आता था हमेशा हमारी मुलाकात होती थी तो बदले नहीं इलेक्शन जीतने के बाद सीएम बदल नहीं। आप बदल गए गए मिलते हाँ लोग बदल जाते हैं और जो अच्छे पुराने पॉलिटिशियन है वो नहीं बदलते भी आई थिंक उनका फर्स्ट टर्म था ना शायद शायद उसकी वजह से और दूसरी बात उनका भी शायद उनके जो आस पास लोग हैं ना कुछ लोगों को मैंने रीच आउट किया था भी ठीक है यार मैं आया हूँ मैं दिल्ली में हूँ तो मैं किसी भी मेरे किसी भी मिनिस्टर से मिल सकता हूँ लोगों को मिलता हूँ क्योंकि मैं जहाँ कुछ कंपनियों को भी लेकर आया था मेरा हमेशा इंटेंशन यही है भी पंजाब में जाकर कोई थोड़ी सी तरक्की की कोई बात की जाए क्योंकि मैंने अपने पंजाब में आपके इलाके में काफ़ी काफ़ी काम किए हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी फाउंडेशन के थ्रू काफ़ी काम हुए जो जो भगवंत मान जी भी गवाए हैं उस चीज़ के वो जाकर आप देख भी सकते हो ठीक है अनफॉर्चुनेटली यही होता है भी पॉलिटिक्स में यही होता है कि आदमी जब बन जाता है ना थोड़ा बदल जाता है भगवंत मान जी इलेक्शन से पहले तो मेरे को मिलते थे अब मुलाकात नहीं हुई हो नहीं। सकता भी वो बिजी हो सकता है भी मैं ऐसा नहीं कहता भी हाँ हो सकता है बिजी हूँ हो सकता है उनके मैसेज ना गया हो लेकिन ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ पिक्चर में देखो द, दस दिन पंजाब रह कर रहा फिर मैं वापस जा रहा हूँ फिर मैं एक महीना रह, रहना है जहाँ ओवरऑल इट इज़ सैड स्टोरी जो पंजाब की देखो कुछ भी है जो जिस जितनी बड़ी मैंडेट पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी थी मेरा ख्याल हिस्टोरिकली किसी लोगों को देंगी और उस आदमी उस इलेक्शन में जो बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन था जो जो गारंटी लेकर बैठा था भी मैं तो इतनी बार सी एम बनाऊँ मेरे बिना सरकारें नहीं चल सकती वो भी उखाड़ के फेंक दिए थे लोगों ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिए थे भगवंत मान जी को बहुत अच्छा मैंडेट मिला है नो डाउट प्रॉब्लम मेरे को ये लगता है भी अब मैं जलंधर ड्राइव कर रहा हूँ दरबार साहब जा रहा हूँ कहीं भी जा रहा हूँ भगवंत मान जी की हर एक खंबे पे हर एक फ्लैक्स पे हर एक पोस्टर लगा है मिलियन ऑफ डॉलर जो खर्च करे जा रहे हैं एडवर्टाइज में खर्च कर रहे जा रहे हैं वो तो टैक्स पेयर का पैसा है ठीक है ना और जे पहले क्योंकि मैं इसीलिए भी मैं इनको इनके एजेंडे को बहुत अच्छी तरह क्लोजली मॉनिटर करता था ये कहते थे वी कल्चर ख़त्म करना है मेरे को नज़र नहीं आ रहा वी कल्चर खत्म हो रहा है वहाँ से और जो प्रॉब्लम की पंजाब की पहली प्रॉब्लम थी वो अभी थोड़ा सा अभी मेरे को उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है कौन सी प्रॉब्लम जैसे ड्रग इशू है ड्रग इशू और भी काफ़ी काफी, काफी, काफी पेटी क्राइम काफी बढ़ गया है पेटी क्राइम है ना छह सात बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल अनएम्प्लॉयमेंट का यही होता है ना अभी जब जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो डेफिनेटली पेटी क्राइम तो होंगे वो तो पंजाब में भी होंगे पंजाब के बाहर भी होंगे और लोगों की एक्सपेक्टेशन स्पेशली जो लाइक माइंडेड थे जो इनकी जो सपोर्ट भी करते थे वो भी आई थिंक बिट है वो कंसर्न है दे दे फीलिंग कि नहीं कुछ होना चाहिए बट एट द सेम टाइम सो अभी एक साल हुआ है अभी देखते हैं प्रॉब्लम जो मेरे को सबसे ज्यादा ज़्यादा लगती है भी वो लोगों को बात में करके जो दिल्ली की इंटरफेरेंस है वहाँ जो दिल्ली की मैं कहता हूँ जो गलत ना लेना भी कल को मेरे को एयरपोर्ट पर उठ आप भी बोल रहे कि इसकी हो हो कि की इंटरफेरेंस रही है <laughs> दिल्ली की, कभी मेरे को पता चले भी आप दिल्ली के बारे में बोलते हो भी आप एयरपोर्ट से बाहर निकल कर दिखा ऐसा मत करना मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ जैसे मिस्टर केजरीवाल हैं उन लोगों का एक विजन था समझदार है आई आर एस ऑफिसर बहुत उस तो लोगों ने जैसे जैसे जो इंटरव्यू लेकर आया था जैसे दिल्ली में सरकार चला रहे थे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी भी प्रोग्रेस होएगी लेकिन लोगों से पता चल रहा है भी जो पंजाब में जो सरकार चल रही है वो दिल्ली केजरीवाल साहब चला रहे हैं वो केजरीवाल केजरीवाल साहब के जो आस जो एक दो और लोग हैं प्रॉक्सी उन्हीं की है उन्हीं के हिसाब से वह सारा कुछ हो रहा है आई हर्ड के इवन के भगवंत मान जी भी काइंड ऑफ लाइक फीलिंग कल क्या हैल्पलेस है भी वो कुछ करना चाहते हैं फैसले लेने जाते हैं वो फैसले नहीं ले सकते ये 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 जो मैं कह रहा हूँ ना मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूँ मैं ग्राउंड रियलिटी पता करके फिर मैं वो करता हूँ लोगों में ये भी है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी और उसकी वजह से जो प्रॉमिस इतने बड़े बड़े थे जा? फ्री बिजली का उसके बाद वो इतना कोस्ट हो गया है उसका बिल्कुल तो मतलब अभी हजार करोड़ का डेढ़ साल में मतलब एक्स्ट्रा बर्डन डेट लिया लिया ना पे पे हजार करोड़, करोड़। इंटरेस्ट पे करने के लिए वो और कर्जा और लेना और देखो कर। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है अमेरिका भी तो अगर आपने एक खर्चे चलाने के रसोई के खर्चे चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है ना इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न सैलरीज टाइम पे नहीं आती फिर लोगों की बिजली कटेगी फिर फ्री बिल देने का फायदा क्या बिल्कुल तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के भी विक्टिम बनेंगे अभी तो नहीं लेकिन एट द द एंड ऑफ डे पंजाब, पंजाब को पे करना पड़ेगा पंजाब के लोग मैं पहले भी बोल चुका हूँ पंजाब को कम टू द पंजाब के लोगों को एडमायर करता हूँ मैं पंजाब के लोग दे ऑन्ड केयर और वो कहते हैं भी आपको ऑप्शन जरूर देंगे अगर आपके पास ऑप्शन है इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर द द कम्युनिटी सोसाइटी दे विल डेफिनेटली गिव यू द स्पेस और उन लोगों ने स्पेस दिया मोदी जी का बेब सारी हिंदुस्तान के में चल रही थी पंजाब भारत में चल रही थी लेकिन वहाँ नहीं चली ठीक है ना और लेकिन लोगों ने तो आपको मैंडेट दिया क्या आप डिलीवर कर सकते हो या नहीं और जो जैसे जो हम देख रहे हैं इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न के जो होना चाहिए था वो नहीं अभी अभी दिख नहीं रहा आई होप कि चलो ठीक है चार साल हैं बाकी देखेंगे और दूसरी बात है भी थोड़ा सा भगवंत मान जी को अपने आप को थोड़ा एक्सेसिबल रखना पड़ेगा आई थिंक इट्स गुड फॉर हिम मैं नहीं कहता भी मेरे मेरे को एन आर आई कोई भी आता है ना आई hmm. थिंक उसका थोड़ा सा कोई चैनल होना चाहिए भी हाँ कोई अगर कोई अच्छे सजेशन के लिए आता है कोई हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर है देश के लिए कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता है अगर आप किसी को मिलोगे नहीं ठीक है ना वो तो मैं किसी को भी कहता था वो वो स्माइल जी देकर कहते थे भी नहीं आप कैसी बात करते हो अब तो इतने बदगे अब नहीं मिलेंगे <laughs> मैं पता नहीं, मैं आसी समझ आसी बात गया। नहीं। मेरे दोस्तों के बारे में ऐसी बात नहीं मैं मैं, मैं 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 शायद नहीं किसी को कहनी चाहिए लेकिन एंड ऑफ द डे इनके पास बहुत अच्छी अच्छी एक मैंडेट है आई होप कि दे विल रीच आउट टू ऑल द अदर पोलिटिकल जो पार्टीज हैं एंड हैव टू वर्क दे शुड वर्क टुगेदर एंड सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस ऑफ पोटेंशियल है ऐसे हाँ, वो है करेंगे जैसे कुछ फ्रिंज एलिमेंट आ जाते हैं उसको कोई काउंटर करना वो जैसे एक कलाकार वो और भी आए थे वो उसने थाने पर भी अटैक कर दिया था hmm. क्या नाम था मेरा नाम बोल गया अभी वो आसाम की याद दिलाओ <laughs> <laughs> तो तो बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो मैंडेट मिला है उसको एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा वो मीट हाँ। कर पाए विश हिम द बेस्ट आई विश हिम द बेस्ट आई विश भगवंत मान जी बेस्ट एंड आई विश के जो जो स्पेशल मिस्टर केजरीवाल भी जो मेरी इंटरव्यू सुनते होंगे भी उसको पंजाब में ज़्यादा इंटरफेरेंस किसी का भी एम, इवन के पीछे भी जो जिन लोगों ने कांग्रेस ने भी करके देख लिया था ज़्यादा इंटरफेरेंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता लेट पंजाबीज़ बी पंजाबी हाँ पंजाब पुझाव को पंजाबी <laughs> रहने दो पंजाब पंजाब हाँ पंजाब की जे जो लोग हैं पंजाब की धरती है सभ्याचार है वो हर हर एक को स्पेस देता है आपको स्पेस मिली है आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है एंड आई होप दे 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 कैन प्रूव इट बाकी हम डसपुरा में बैठ कर सब सभी की वो करेंगे <laughs> और सबसे बड़ी नाव एंड एंड ऑफ द डे टू बी कंक्लूड मेरी हमेशा यही कोशिश रहूगी बातें आई एम नॉट परफेक्ट मैं भी मैं आई आई मैं भी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती करी यू आर यू मे नॉट बी परफेक्ट कोई भी कम्यूनिटी में सारे के सारे लोग परफेक्ट नहीं होते लेकिन हमें बड़ा दिल करके मैं आज ए आप हिंदू हूँ मैं हमेशा मैं एडमायर करता हूँ भी ठीक हो हिंदू कम्यूनिटी में एक तो पेशेंस है एक शांति है एक एक दूरदृष्टि है भी हाँ इतनी जल्दी वो इमोशनल नहीं होते हमारे लोग थोड़ा हो जाते हैं एंड ऑफ द डे आई थिंक वी ऑल हैज़ टू थिंक लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स क्या हैं मैं चाहता हूं जैसे पंजाब तरक्की करे जैसे बाकी स्टेट साउथ की स्टेट तरक्की कर रही हैं मैं चाहता हूं पंजाब के लोग आईएएस बने आईपीएस बने मैं चाहता हूं पंजाब के लोग बड़े जो अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर लॉयर जो और भी अच्छे अच्छे वो, वो वो भी एजुकेशन पाकर अगर बाहर भी जाना है तो थोड़ी सी कोई ना कोई स्किल सेट लेकर जाएं, ठीक है और पंजाब का नाम पंजाबियों का नाम हिंदुस्तान करें, मतलब देन बिल्कुल बजाय खालिस्तान बना तो बन सकता है अग, अगर बन गया तो मैं तो मैं पहले उस पे लिखा हुआ है भी अलो अलो बन, आप रहोगे <laughs> और फिर लोग पूछते हैं खालिस्तान बनेगा कहाँ वो वो तो अल्बर्टा में के ऊपर बनेगा या फिर ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर कनाडा में बनेगा जहाँ भी बनेगा तो हमें वहाँ भी सीट मिलेगी चलिए <laughs> तो सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना फ्रेंकली बात करने के लिए और इतनी सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए डायसपुरा पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट इशूज हैं हमारे लिए ये एंड आपने इतना समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच सीक